अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी है। जो अभी का लेक्चर है, आज का लेक्चर जो है, इंशाल्लाह जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का आपको इंट्रोडक्शन देना है। प्रोबेबिलिटी एज सच इस लेक्चर में डिस्कस होगी नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस करनी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो स्टूडेंट को पता नहीं होती। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता देते हैं, फिर हर क्वेश्चन के अंदर अगर वर्ड आ रहा है तो बच्चे परेशान होंगे क्या चीज है। और इसके अलावा ईकेट पे कुछ आप अलग टर्मिनोलॉजी सुनते हो, तो मैं सबको कंबाइन करके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको नजर आएंगी ना, कोई बहुत छोटी मोटी है उधर इंशाल्लाह हम लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। जितनी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं जो स्टूडेंट को तंग करती हैं, वो इंशाल्लाह मैं इसमें क्लियर करूंगा। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी में पहला जो टॉपिक है ना जो हमने कवर करना है, वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं पेपर में आएंगी, इंपॉर्टेंट का मतलब कि इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने अपने पास लिखी हुई है कि क्या क्या मैंने आपको बतानी है। सबसे पहली टर्म जो है, जो आपको काफी नजर आएगी इस प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर, वो होती है जिसको आप बोलते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट की टाइप रैंडम एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। यार देखो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके आपने कोई रिजल्ट निकालना है उसके अंदर से। डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो ज्यादातर कॉइन टॉस करने का डिस्कस कर रहे होंगे, डाई रोल करने का डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि काफी इजी होते हैं, समझ आ जाते हैं। इसी तरह कार्ड्स के बारे में कुछ हम कर लेंगे, ये बात आसानी से समझ आ जाती है इनकी। तो फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझने का सिंपल तरीका ये कि मैं बोलूं कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमने 10 दफा कॉइन को टॉस करना है, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आप इसको क्यों बोलोगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है कि जिसके अंदर आउटकम जो है ना, आपको पता हो कि यार सबसे पहली बात एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए। मुझे पता है जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो दो आउटकम आएंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी तरीके से जो डाई होता है, जो लूडो में आप फेंकते हो, अब मुझे पता है उसमें आउटकम एक से ज्यादा होते हैं, मतलब वन भी आ सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ सकता है इसमें से। तो रैंडम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको पता नहीं होता कि जो आप करने लगे हो उसके अंदर क्या आउटकम आएगा। क्या आप डाई जब फेंकते हो तो आपको पता होता है कि थ्री आएगा? नहीं, फोर भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, वन भी आ सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, अच्छा फॉर एग्जाम्पल जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो ना, और आप बोल रहे हो कि 10 दफा मैंने कॉइन को टॉस करना है, तो इसको आप ट्रायल बोलते हो। दूसरा वर्ड जो है ना इसी के अंदर मैं आपको सिखाने लगा हूं, वो है ट्रायल। ये जो वर्ड ट्रायल है ना, इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि इस एक्सपेरिमेंट में मैंने 10 दफा कॉइन टॉस करना है, तो हर दफा जब आप कॉइन टॉस कर रहे होते हो ना, उसको आप ट्रायल कहते हो। पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल, करते करते कितने ट्रायल आपको करने? 10 ट्रायल करने। ये समझ लो कि कितनी दफा आपको रीडिंग लेनी है, आप ये समझ लो, तो इसको आप ट्रायल कह रहे होते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, आप पहला ट्रायल करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉइन टॉस करना है, तो आपको नहीं पता क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसे दूसरी दफा कर रहे हो, अगेन आपको नहीं पता, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है कि जिसमें आप रिपीट करते जाओ बार बार, आप मतलब एक दफा भी परफॉर्म कर सकते हो, मतलब एक ट्रायल हो उसके अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। या रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर एक से ज्यादा ट्रायल हो सकते हैं, कि 10 दफा आप कॉइन टॉस कर रहे हो, 100 दफा कॉइन टॉस कर रहे हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन असल चीज क्या है कि आपको कंफर्म नहीं होगा कि यार जो मैं फेंकने लगा हूं क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, या अगर मैं डाई फेंक रहा हूं तो वन आ रहा है, टू आ रहा है, आपको कंफर्म नहीं है। और ये उसी वक्त होगा जब एक से ज्यादा आउटकम होंगे, तभी आपको कंफर्म नहीं होगा ना कि क्या आने वाला है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को आप कहते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दो बातें आपने सीख ली, एक तो एक्सपेरिमेंट देख लिया कि यार आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, और परफॉर्म करके आप क्या कोई एक रिजल्ट निकालना चाह रहे होते हो। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला आपने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने ट्रायल भी समझ लिया कि ट्रायल क्या होता है, जितनी दफा वो एक्सपेरिमेंट आप रिपीट कर रहे हो, पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल, ये सब चल रहा होता है। दूसरी जो टाइप होती है ना, उसको आप बोलते हो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि जिसमें आपको 100% कंफर्म है कि ये चीज आएगी, और ये उसी वक्त होता है जब एक ही आउटकम हो। अच्छा मैं डेफिनेशन इनकी नहीं करा रहा, डेफिनेशन बच्चों आप लोग गूगल से मिल जाएगी, हर जगह से मिल जाएगी, असल चीज समझाना है, क्योंकि मैं डेफिनेशन लिखवाने लग गया तो मेरा टाइम बहुत चला जाएगा। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका एक ही आउटकम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें, मैंने एग्जाम्पल लिखी होगी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है ना, मैं खुद बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेब फेंक रहे, आप इस तरह समझ लो कि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो सेब फेंकना, आप इसके 10 ट्रायल करो, आप इसके 100 ट्रायल करो,
आप ये बात ऑब्जर्व करोगे, जब भी आप सेब फेंकोगे नीचे जाएगा वो, आपको 100% कंफर्म है वो सेब नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। आप इसके जितने भी ट्रायल परफॉर्म कर लो, आप 100% श्योर कह सकते हो परफॉर्म करने से पहले कि यार ये चीज आने वाली है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर देने जाओ, आप बोलो मैं पेपर नहीं दूंगा अपना, मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, मैं अपना पेपर नहीं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके 6 पेपर है, आप हर पेपर में नहीं जाते, आउटकम सेम ही है, फेल हो गया। आप 100% श्योरिटी से प्रोबेबिलिटी में आप इसको बोलते हो प्रोबेबिलिटी 1 है इसकी, 1 उस चीज की प्रोबेबिलिटी होती है जो 100% होती है। तो आप कह सकते हो भाई 100% ये चांस है कि अगर आप पेपर में नहीं जाओगे तो आप फेल हो गए। तो अब ये जो इवेंट है डिटर्मिनिस्टिक है, एक ही आउटकम होगा, पेपर नहीं दोगे तो फेल ही होगे, पास नहीं हो सकते आप इसके अंदर। तो ये इवेंट की एग्जांपल होगी डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं, जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसमें आप काफी वर्ड्स प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर रहे होते हो, आप ऑड्स भी कहते हो इसको, ODDS, ऑड्स का मतलब यही होता है प्रोबेबिलिटी। चांस का वर्ड भी आप यूज कर रहे हो, तो कितने चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने ऑड्स है, या लाइकली भी आप कह सकते हो, लाइकलीहुड या लाइकलीनेस, कि कोई चीज होने की कितनी लाइकलीनेस है कि यार ये चीज, कितने चांसेस हैं इसके, या कितने ऑड्स हैं, या कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये डिफरेंट वर्ड्स आप प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर रहे होते हो, तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में यूज करूं तो समझ जाना मैं प्रोबेबिलिटी, चांसेस, ऑड्स एक ही बात है सब, ठीक है। तो ये आपने देख लिया डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अच्छा जो रैंडम, ये मैंने 3 टर्म्स आपको अभी तक सिखा दिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर ना एक चीज होती है जिसमें आप, जिसको बोलते हो बर्नौली एक्सपेरिमेंट, इसी के अंदर मैं सिखा देता हूं आपको बर्नौली एक्सपेरिमेंट। बर्नौली एक्सपेरिमेंट भी रैंडम ही होता है। ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट होता क्या है, देखो बर्नौली एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर 2 आउटकम होते हैं। अच्छा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 2 आउटकम हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि अगर मैं डाई फेंक रहा हूं तो ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट नहीं है, नहीं ये हो सकता है बर्नौली एक्सपेरिमेंट। आप कहोगे सर इसके अंदर 2 आउटकम तो नहीं होते, 2 आउटकम बेशक नहीं होते, आप 2 आउटकम बना सकते हो। कैसे, इसके अंदर ना आप 2 आउटकम बनाते हो, एक को आप बोलते हो सक्सेस, दूसरे को बोलते हो फेलियर। ये मैं बर्नौली एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डाई फेंक रहे हो तो मैं इसको बर्नौली में कन्वर्ट कर सकता हूं, है 6 आउटकम लेकिन मैं 2 में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, मैं बोलूंगा अगर मैं डाई फेंक रहा हूं तो पहला आउटकम जिसको मैं सक्सेस करूं वो ये है कि मेरे पास 2 आ जाए, ये आउटकम पहला इसको कंसीडर कर लो, इसको आप सक्सेस बोलोगे। सक्सेस मतलब जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, मैं इंटरेस्टेड हूं 2 आए, ठीक है, तो ये मेरी सक्सेस है। अगर 2 के बाद 2 के अलावा कुछ और आएगा तो वो मेरा फेलियर होगा, ठीक है। तो आउटकम 6 है लेकिन मैंने इनको 2 कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया, एक मेरे इंटरेस्टेड जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं और एक वो कैटेगरी जिसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसको आप सक्सेस फेलियर कहते हो। सक्सेस यहां, सक्सेस का मतलब सिंपल यहां पे है कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक सक्सेस हो और एक फेलियर हो, मतलब आपने डिफाइन किया है कि अगर 2 आएगा तो सक्सेस है और 2 के अलावा कोई आएगा तो फेलियर है, तो इसको आप क्या बोलोगे, बर्नौली एक्सपेरिमेंट। 2 आउटकम है सक्सेस और फेलियर। हेड टेल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे हेड आए तो इसका मतलब सक्सेस है मेरी, टेल आए तो फेलियर है, ठीक है। तो अगेन ये भी बर्नौली बन सकता है। कोई और इवेंट आप परफॉर्म करो, आप सक्सेस फेलियर डिफाइन करो, सक्सेस जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, वो फेलियर हो जाएंगे। ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट होता है। बर्नौली एक्सपेरिमेंट की और भी ये खासियत होती है कि जब भी आप ट्रायल परफॉर्म कर रहे हो सक्सेस सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1/6 होती है। मैं आप लोगों को निकालूंगा किस तरीके से निकालते हैं। तो जब भी आप ट्रायल परफॉर्म करोगे ना, ये जो सक्सेस है, डाई रोल करो और 2 आए, ये सक्सेस है ना आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी हर दफा सेम ही रहेगी। आप पहला ट्रायल परफॉर्म कर रहे हो, आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। आप दूसरा ट्रायल परफॉर्म कर रहे हो, आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है। तो बर्नौली में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा सेम रहती है। इसके अलावा एक और चीज भी होती है कि बर्नौली के अंदर आपने ये फिक्स किया होता है पहले से कि कितने ट्रायल मैंने परफॉर्म करने हैं। मैंने 10 दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, मैंने 5 ट्रायल करने हैं, मैंने 20 ट्रायल करने, ऑलरेडी आप फिक्स कर देते हो। तो 2-3 खासियतें हैं जो बर्नौली एक्सपेरिमेंट में आपको नजर आती हैं। बाकी जो टॉपिक है वो बहुत ही डाइवर्ट हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स की तरफ, तो मैंने बस इंट्रोडक्शन दे दिया। रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर ये भी चीज आ जाती है। तो ये समझ लो मैंने टोटल 4 टर्म्स आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बर्नौली एक्सपेरिमेंट हो गया, सही है। उसके बाद एक टर्म आपको नजर आएगी जिसको आप कहते हो आउटकम। ये भी टर्म आपको काफी नजर आएगी। आउटकम क्या होता है, देखो आउटकम समझने के लिए बहुत इजी है। आउटकम का मतलब ये है कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो क्या रिजल्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाई को रोल कर रहा हूं तो क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो मैं बोलूंगा कि 6 आउटकम है इसके अंदर, मैक्सिमम 6 आउटकम है। 6 आउटकम से ज्यादा तो कुछ नहीं आ सकता ना, 7 तो नहीं आ सकता ना, 10 तो नहीं आ सकता ना। तो आउटकम क्या होता है कि भाई जब आप एक ट्रायल परफॉर्म कर रहे हो तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है,
ये नहीं कि क्या आया है भाई, आप जब एक डाई फेंकोगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, वन से लेकर सिक्स तक कुछ भी आ सकता है, तो उसको आप बोलोगे आउटकम, कि ये आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, तो आउटकम क्या होता है, जब आप ट्रायल परफॉर्म किया तो क्या आपके पास रिजल्ट आ सकता है, उसको आप आउटकम बोल देते हो। ठीक है, चौथी टर्मिनोलॉजी इसके बाद ही पढ़ाई जाती है, वो है सैंपल। अच्छा, इसको आप सैंपल पॉइंट भी कहते हो, वो आपको समझ आ जाएगी सैंपल पॉइंट क्यों बोलते हैं इसको। सैंपल स्पेस समझ लो ना पहले, सैंपल स्पेस के बारे में देख लेते हैं। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस बेसिकली बच्चों एक सेट होता है, ठीक है, ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे आउटकम्स आपने लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डाई रोल कर रहा हूं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस इसका ये होगा, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं इसकी, सैंपल स्पेस ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस में सारे आउटकम कवर हुए हैं, जब आप एक डाई फेंकोगे तो आपके पास यही आउटकम आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो सैंपल स्पेस बेसिकली एक सेट होता है जिसके अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम जो है वो किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो जो आ सकते हैं वो सब उस सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और हर एक एलिमेंट को आप आउटकम बोलोगे ना, जैसे 5 जो है एक आउटकम है, 4 आउटकम है, 3 आउटकम है, तो उसको सैंपल पॉइंट भी बोला जाता है। मैंने भी बोला था ना कि आउटकम को आप सैंपल पॉइंट भी बोलते हो, उसकी वजह यह है कि ये पूरा सैंपल स्पेस है ना, इसका हर एक एलिमेंट को आप बेसिकली बोल सकते हो सैंपल पॉइंट। 1 जो है सैंपल पॉइंट है, 2 सैंपल पॉइंट है, 4 सैंपल पॉइंट है। तो सैंपल पॉइंट इतना वर्ड यूज होता नहीं है, आउटकम हम बोल देते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होगा, अगर आप देखो तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि क्या चीज आ रही है। तो सैंपल स्पेस कवर कर दिया मैंने, आउटकम और सैंपल पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, उसके बाद बच्चों एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी आने वाली है, ये जो मेन मेन चीजें थी ना मैंने आपको बताई, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और वो है इवेंट्स। ये मैं कहां पे लिखूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत से केसेस हैं, बहुत से टाइप्स हैं इसकी। अब ये वर्ड इवेंट जो है इसको जरा समझते हैं, इवेंट क्या होता है। ये आपको मैंने कॉम्बिनेशन परमुटेशन काउंटिंग प्रिंसिपल में इवेंट का वर्ड मैंने बहुत यूज किया था। इवेंट जो है ना यार, आप ये समझ लो सिंपल, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, आप सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट निकाल लो उसको आप इवेंट बोलोगे। अब इस बात को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, मैं डाई फेंक रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इवेंट यह है कि इवन नंबर आए, मैंने इवेंट को क्या डिफाइन किया कि इवन नंबर आए कोई, ये मेरा इवेंट है। ठीक है, इसी तरह मैं बोलूं कि अगर मैंने डाई फेंका तो इवेंट क्या है, ऑड नंबर आना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इवेंट जो है वो है कि इवन नंबर आना, ये मैंने इवेंट डिफाइन किया। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट ए जो है वो क्या है, इवेंट ए है कि इवन नंबर कोई आए। ठीक है, और मैं दूसरा इवेंट डिफाइन करता हूं इवेंट बी, जिसका वो इवेंट क्या है कि ऑड नंबर है। ठीक है, तो इनको आप इवेंट बोलोगे। अगर आप देखो इस इवेंट को, ये जो पहला इवेंट है कि इवन नंबर आए, इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं, मतलब कितने आउटकम इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं, वो ये है 2, 4, 6। अगर आप एक डाई फेंकोगे तो इवन नंबर आना 3 तरीके से आ सकता है, या तो 2 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। तो अगर ऑब्जर्व करो इस इवेंट के अंदर जो भी आउटकम है वो बेसिकली सबसेट है ना इसका। तो मैंने शुरू में क्या बोला था, सैंपल स्पेस का आपने एक सबसेट कंसीडर करना होता है, तो ये आपने सबसेट ही कंसीडर किया होगा। इसी तरीके से इवेंट बी मैंने क्या बोला है कि ऑड नंबर आना, बस मैंने इसको इवेंट बोल दिया ना एक, कि यार ये चीज मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो ऑड नंबर आना, एक इवेंट है ये। तो इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 1, 3, 5, इसके अंदर 3 आउटकम आ रहे हैं। ऑड नंबर 3 तरीकों से आ सकते हैं, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंट एग्जाम्पल में आप इवेंट कुछ भी डिफाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि यार मैंने डाई फेंका और इवेंट है कि 4 से कम आना, मैंने डाई फेंका, इवेंट क्या है, कोई भी नंबर आए जो 4 से कम हो। अब इस इवेंट को भी कितने केस फेवर कर रहे हैं, 3, 1, 2, 3, इस इवेंट के अंदर 3 आउटकम आएंगे, क्योंकि 3 नंबर है जो 4 से कम होते हैं, 1, 2, 3। जब भी आप एक डाई फेंकोगे तो 4 से कम नंबर जो आएंगे वही 3 ही केस हो सकते हैं, या तो 1 आ जाएगा, या 2 से आ जाएगा, या 3 आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इवेंट सी क्या है, लेस देन 4 आना, क्या आपने डाई फेंका, आपके पास कोई भी लेस देन 4 आते हैं। कहने का मकसद यह कि आप इवेंट कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, मर्जी आप कुछ भी, यहां पे कुछ भी इवेंट बोल देते हो आप, तो उसके अंदर होगा क्या, आउटकम्स होंगे। कहां से आउटकम आएंगे, सैंपल स्पेस से। ये जितने मैंने 3 लिखे हैं ये सैंपल स्पेस से तो आए हैं ना, तो आप इसको क्या बोलोगे, इवेंट की मतलब डेफिनेशन आपको क्या नजर आएगी, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट की एक कैटेगरी होती है, इवेंट की एक टाइप है। इसी इवेंट में एक ऐसा भी होता है जिसको आप बोलते हो एलिमेंट्री इवेंट, बाकी टाइप थोड़ी अलग है, मैं अभी एलिमेंट्री इवेंट का बता देता हूं, ये थोड़ी डिफरेंट चीज है। एलिमेंट्री इवेंट ऐसा इवेंट होता है कि जिसके अंदर एक ही आउटकम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं इवेंट फॉर एग्जाम्पल डी है लेस देन 2,
मैंने इवेंट क्या डिफाइन किया कि अगर आप एक डाई फेंको तो इवेंट डी क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर लेस देन टू आए, अब इस इवेंट के अंदर एक ही आउटकम होगा और वो क्या होगा, वन। भाई लेस देन टू एक ही तरीके से आ सकता है, जब आप डाई फेंकोगे ना तो लेस देन टू एक ही नंबर है वो है वन, या आप इस तरह बोल सकते हो ग्रेटर देन फाइव, जब आपने डाई फेंका ग्रेटर देन फाइव आए तो आपको पता है ग्रेटर देन फाइव सिक्स ही है बस, इसके अलावा डाई में और कोई नहीं आ सकता। तो ये जो इवेंट होगा क्या कहलाया जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट, कि इसके अंदर भाई एक ही आउटकम है, एक से ज्यादा नहीं है। तो इवेंट के अंदर आप ये टाइप देख लो कि आप इसको बोल दोगे एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। अब इवेंट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, आप जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहली टाइप जो है ना वो यहां पर क्या है, वो है म्यूचुअली, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। किन इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलोगे? तो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो वाले होते हैं, मैंने कुछ स्पेसिफिक एक एग्जांपल लिखी हुई स्पेसिफिक, बाकी मैं आप लोगों को खुद ही बता देता हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट, यार ये बताना तो मकसद ही मेहनत, मैंने पॉइंट लिखे होते हैं कि यार पहले ये चीज बतानी है फिर ये चीज बतानी है ताकि पूरे ऑर्डर में बात आपको समझ आए, इसके बाद मुझे पता है मैंने एक्सक्लूसिव बताना है नहीं एग्जॉस्टिव बताना है, उसके बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड है एक चीज से। तो दैट्स व्हाई मैं तरतीब से पूरे बता रहा था, इसके अंदर मैं तरतीब नहीं लिखी हुई लेकिन मैंने जहन में बना लिया था कि यार नहीं ये तीन एक साथ ही बताना है मुझे, खैर स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है ना पहले। खैर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ऐसे इवेंट्स जो एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते। बहुत एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले भी दी थी जब मैं काउंटिंग प्रिंसिपल बता रहा था, अभी भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जो इवेंट ए और बी लिखे हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्या ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं? नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि आपने डाई फेंका आपके पास इवन नंबर भी आ जाए और ऑड नंबर भी आ जाए? नहीं। अगर आप डाई फेंकोगे या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। आपने डाई फेंका थ्री आया तो ये इवेंट बी है, आपने डाई फेंका सिक्स आया ये इवेंट ए है, ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते। तो इन दोनों इवेंट को आप क्या बोलोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक और एग्जाम्पल, आपने कॉइन टॉस किया, इवेंट ए है हेड आना, इवेंट बी है टेल आना, क्या ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं? नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि आपने कॉइन टॉस किया आपके पास हेड भी आ गया टेल भी आ गया? नहीं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगेन इन दो इवेंट्स को आप क्या बोलोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसी तरीके से इवेंट है पास होना, इवेंट बी है फेल होना, क्या ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं? नहीं, या तो पास हो गए या फेल हो गए, अगेन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। तो डिफरेंट, अच्छा इसको डिसजॉइंट इवेंट्स भी आप कहते हो, दोनों वर्ड मैं लिख देता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या आप इसको डिसजॉइंट भी कहते हो। डिसजॉइंट सेट की लैंग्वेज में, कि आपने पढ़ा था ना डिसजॉइंट सेट कौन से होते थे कि जिनमें कुछ इंटरसेक्शन नहीं आता था, कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं होता था। तो ऑब्जर्व करो इवन एंड ऑड नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, तो सेट की लैंग्वेज में आप इनको सेट के हिसाब से बात करो तो डिसजॉइंट इवेंट भी आप बोल देते हो उसको। अच्छा ऐसे इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो वो कौन कौन से हैं, जिनमें कुछ आउटकम सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इवेंट ए को ले लो और इवेंट सी को ले लो, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ये दो ये इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डाई फेंका आपके पास टू आ गया तो ये वाला इवेंट भी परफॉर्म हो गया, एक इवन नंबर है टू, और ये वाला इवेंट भी परफॉर्म हो गया लेस देन फोर, टू जो है वो लेस देन फोर है, इसका मतलब ए और सी एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में इनके आउटकम कुछ कॉमन है, टू और टू ये कॉमन आउटकम है इनके, तो इवेंट ए और सी क्या कहलाया जाएगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसी तरीके से आप बी और सी को कंसीडर करो, अगेन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्यों, दो आउटकम इनके सेम है वन और थ्री, तो ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। ये नहीं कि हर मतलब हमेशा एक साथ परफॉर्म होंगे, कुछ चीजों में एक साथ परफॉर्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर थ्री आ गया तो थ्री ये वाला इवेंट भी परफॉर्म हो गया, ये वाला इवेंट भी परफॉर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल टू आ गया तो टू में ये वाला इवेंट परफॉर्म हो रहा है ये नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। आपने सब आउटकम देखने होते हैं कि सब में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर कोई एक भी कॉमन है ना तो फिर वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा केस होगा जिसमें वो एक साथ परफॉर्म हो जाएंगे, तो एकदम से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं रहेंगे। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये है कि वो हमेशा हो ही नहीं सकते एक साथ। तो इस सेट इस इवेंट को देखो, इस इवेंट को देखो, तो आप ये बोल सकते हो म्यूचुअली नहीं है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। और आखिरी एग्जांपल मैं आपको कार्ड से देता हूं जो मैंने लिखी हुई थी, कि फॉर एग्जांपल आप बोलो कि एक इवेंट है, मैं इवेंट को डिफाइन कर देता हूं, कि आप बोलो कि एक इवेंट है, चलो यहां लिख देते हैं इवेंट ए आप कह लो हार्ट आना, क्या आपने कार्ड उठाया आपके पास हार्ट हो, और इवेंट बी है किंग आना,
ये दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं? नहीं है। क्यों? एक आउटकम इनका ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट के ना 13 कार्ड होते हैं और किंग के 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। एक केस ऐसा है जिसमें सेम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किंग ऑफ हार्ट उठा लिया तो दोनों इवेंट परफॉर्म हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था ना कार्ड्स के अंदर 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड के अंदर 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं। तो जो 13 हार्ट वाले कार्ड है ना उसके अंदर एक किंग होता है, तो अगर आपने वो वाला कार्ड उठा लिया तो वो किंग भी है और वो हार्ट भी है, तो ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो गए, हार्ट भी आ गया किंग भी आ गया। बाकी जितने केसेस हैं उसमें एक साथ परफॉर्म नहीं हो रहे, मतलब उन 13 कार्ड में से 13 जो हार्ट के कार्ड है उसमें से कोई भी आप 12 उठा लो, किंग वाला ना उठाओ, कोई भी 12 उठा लो, और किंग के जो 4 कार्ड होते हैं मतलब एक किंग डायमंड का होता है, एक किंग स्पेड का होता है, एक किंग क्लब का होता है, ये 3 उठा लो आप, ये अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है। लेकिन एक आउटकम इनका सेम है, वो है किंग ऑफ हार्ट। तो एक भी अगर सेम होना तो आप फिर उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोल सकते। तो दैट्स व्हाई ये दो इवेंट जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर इसी एग्जाम्पल में आपने इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है तो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें चेंज कर दो, फॉर एग्जाम्पल क्वीन, ये जो केस है ये दोनों जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्यों? एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता आपने कार्ड उठाया वो क्वीन भी है ये किंग भी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये क्या कहे जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो मैं काफी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी। अब दूसरी टाइप जो हमने पढ़नी है वो क्या कहलाती है? एग्जॉस्टिव इवेंट। ये एग्जॉस्टिव सेट भी होते थे, एग्जैक्ट जो सेट में आप पढ़ते थे ना वही डेफिनेशन इनकी भी यही है, एग्जैक्ट वही है, बस इवेंट के सेंस में आप उसको बोलोगे। अच्छा एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? बच्चों एग्जॉस्टिव इवेंट ये होते हैं, इनको दो तरीके से मैं डिफाइन करूंगा कि ऐसे इवेंट जिनका जब आप यूनियन लो तो आपके पास सैंपल स्पेस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप इवेंट ए को देखो, आप इवेंट बी को देखो, ये मैं सेट की लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूं। अगर आप इनका यूनियन लोगे तो आपके पास आउटकम आ जाएंगे, टोटल सैंपल स्पेस पूरा आ जाएगा 2, 4, 6 और 1, 3, 5। जब यूनियन लोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई थी, मैं डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी दूसरी डेफिनेशन भी थी, उस तरीके से भी आप समझा सकते हो बात को। इसमें था हाँ कि व्हेन टू और मोर इवेंट्स फ्रॉम व्हेन टू एंड मोर इवेंट्स फॉर्म द सैंपल स्पेस कलेक्टिवली देन इट इज नोन एन एग्जॉस्टिव इवेंट। कि जब दो इवेंट या 3 भी हो सकते हैं, आप ऐसा भी कंसिडर कर लो कि फॉर एग्जाम्पल हम रेंडम इवेंट मनाते हैं, एक इवेंट है 1, 2 आना, एक इवेंट है 2, 3, 4 आना, एक इवेंट है 4, 5, 6 आना। अगर आप इसमें से कोई भी दो इवेंट को पकड़ोगे तो वो एग्जॉस्टिव नहीं होंगे। क्यों? अगर आप इनको पकड़ो, इनका यूनियन जो है वो होगा 1, 2, 3, 4, सैंपल स्पेस तो नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल इस इवेंट और इसको पकड़ो, 1, 2 और 4, 5, 6, अगेन 3 मिसिंग है, यूनियन लोगे ये सैंपल स्पेस नहीं आएगा। अब इन दो को पकड़ो, अगेन 1 मिसिंग है। इसका मतलब अगर आप किसी भी दो को पकड़ो तो वो एग्जॉस्टिव नहीं है यहां पे। जब आप यूनियन लोगे तो आपके पास पूरा सैंपल स्पेस नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप तीनों को कंसीडर करो तो अब तीनों को कलेक्टिवली आप एग्जॉस्टिव बोलोगे, क्योंकि जब तीनों का आप यूनियन लोगे ना तो आपके पास सैंपल स्पेस आ रहा होगा। और इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपस में वो डिसजॉइंट हो। फॉर एग्जांपल ये आपस में डिसजॉइंट नहीं है, कॉमन है, इसी तरह ये आपस में डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये कोई शर्त नहीं है कि इसमें आपस में डिसजॉइंट हो। शर्त ये है कि जिन ग्रुप को आप बोल रहे हो एग्जॉस्टिव, फॉर एग्जाम्पल आप बोलो ए बी सी ये एग्जॉस्टिव है, तो फिर उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी ग्रुप आप कंसिडर कर रहे हो, 2 सेट का कर रहे हो, 3 सेट का कर रहे हो, 4 सेट का कर रहे हो, असल चीज है कि उनका यूनियन जो है वो बराबर होना चाहिए सैंपल स्पेस के बराबर। तो एक तो समझाने का तरीका ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप इन दो इवेंट को कंसिडर करो, जैसे मैंने बताया कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। अब मैं दूसरी एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, आपको ये भी एग्जाम्पल नजर आएगी कि ये इस तरह समझाया जाता है एग्जॉस्टिव को कि यार ऐसे इवेंट जिसमें से एटलीस्ट एक लाजमी परफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि अगर कोई 2 इवेंट एग्जॉस्टिव है या 3 इवेंट एग्जॉस्टिव है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो ना तो एट अ टाइम एटलीस्ट एक इवेंट परफॉर्म हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन 3 इवेंट को कंसिडर करो, इन तीनों में से एट अ टाइम एक तो लाजमी सेटिस्फाई हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने टाई फेंका, आपके पास 6 आ गया, तो ये इवेंट सेटिस्फाई हो गया, एटलीस्ट एक इवेंट लाजमी सेटिस्फाई होगा अगर वो एग्जॉस्टिव है तो। फॉर एग्जाम्पल आपने टाई फेंका, 2 आ गया, और 2 में देखो ये इवेंट भी हो रहा है, ये इवेंट भी हो रहा है, एटलीस्ट एक तो लाजमी सेटिस्फाई होगा। तो जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं ना उसमें अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो एटलीस्ट एक इवेंट लाजमी सेटिस्फाई हो रहा होगा, तभी वो एग्जॉस्टिव होंगे, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल स्पेस के सारे पॉइंट्स कवर किए हुए होंगे ना, तो जो भी आउटकम आएगा वो उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद होगा।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दो को पिक करते हो, अब ये एग्जॉस्टिव नहीं है, एक तो आप समझ सकते हो कि इनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है, दूसरे एंगल से आप समझो कि फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्स आ गया, अगर सिक्स आ गया तो इसमें से दोनों इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहे, जबकि एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन क्या थी ये भी लिखी हुई है कि टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ देयर इज अ सर्टेन चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम व्हेन दे आर ऑल कंसीडर्ड टुगेदर, कि अगर आप इन सबको कंसीडर करो और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो एटलीस्ट एक लाजमी परफॉर्म होगा, अगर कोई भी परफॉर्म नहीं हो रहा इसका मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है। तो अगर आप इन दो को कंसीडर करोगे एग्जॉस्टिव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फाइव आ गया तो फाइव अगर आएगा तो कोई भी इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है इसमें से, तो ये चीज बता देगी कि इवेंट क्या है एग्जॉस्टिव है। अच्छा, उसके बाद तीसरी कैटेगरी है और वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये कॉम्प्लीमेंट्री का वर्ड आपने बहुत दफा सुना होगा, हर जगह आपने इसको सुना है। आप ज्योमेट्री की बात करो तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते थे, अगर एक एंगल गिवन है तो उसको आप एक होल वैल्यू से माइनस करते थे, एंगल के सेंस में आप उसको 90 कंसीडर करते थे कि अगर 30 गिवन है तो 90 को 30 से माइनस करो 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। सेट की लैंग्वेज में अगर एक सेट ए गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या था, आप उसको होल से माइनस करते थे, यूनियन से माइनस करते थे, अगर आपको याद हो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, यूनियन में से ए को माइनस कर दो तो जो रिमेनिंग आता था उसको आप बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन में भी आपने भी देखा था कि अगर 8C2 है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होगी 8C6, कि पहले 2 था आपने 8 माइनस 2 किया 6 तो वो क्या कहलाई जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल इवेंट ए है, आप ये कंसीडर कर लो इवेंट है 2 आना, सिंपल एक बेसिक इवेंट एलिमेंट्री इवेंट कंसीडर करते हैं कि इवेंट है 2 आना, ठीक है, तो इसको फॉर एग्जांपल आप बोल दो इवेंट ए। अब अगर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट, ये मैं बात कर रहा हूं अगर आप डाई का रोल कर रहे हो, अब मैं आपसे बोलूं कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये होगा सिंपल लैंग्वेज में कि ये इवेंट परफॉर्म ना हो। अब ये इवेंट परफॉर्म किन किन आउटकम में नहीं हो रहा, आपके पास 1 आ जाए, आपके पास 3 आ जाए, आपके पास 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इसमें से कुछ भी आ जाए तो ये इवेंट ए जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली होता है कि वो चीज ना आए, जैसे आप सेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, ए के अंदर जो एलिमेंट थे वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते थे ना, उसका मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो है कि जिसमें एक एलिमेंट निकाल दिए आपने सारे, तो यहां भी वही काम कर रहे हो। जो इवेंट ए है उसके अंदर एक आउटकम है 2, तो इवेंट ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा उसके अंदर वो आउटकम्स होंगे जो ए के अंदर नहीं है। ए के अंदर क्या नहीं है, 1, 3, 4, 5, 6। सिंपल लैंग्वेज में एक इवेंट होता है ये चीज हो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि ये चीज ना हो। फॉर एग्जाम्पल इवेंट ए है कि बारिश हो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बारिश ना हो। इवेंट ए है इवन नंबर आए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ऑड नंबर। इवेंट नंबर अगर नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, 1, 3, 5 ऑड नंबर आएंगे। तो कहने का मतलब है कि एक चीज अगर हो रही है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि वो चीज ना हो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप ऑब्जर्व करोगे कि हमेशा ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। क्यों, जैसे ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि ना की बात आ गई है ना। इवेंट ए है जिसके अंदर ये फलाना एलिमेंट्स गिवन है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके अंदर वो एलिमेंट्स नहीं होंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे भाई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, कुछ कॉमन ना हो तो कुछ कॉमन कैसे होंगे इसके अंदर, अगर इसके अंदर 2 है तो इसके अंदर रिमेनिंग जो है वो होंगे तो कॉमन तो कुछ नहीं आएगा। इसी तरह इवेंट ए और बी ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, इनके कोई भी आउटकम मैच नहीं कर रहे। तो जितने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं पहली बात ये एग्जॉस्टिव भी होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सारा आपने कवर कर लिया होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था इवेंट ए के अंदर एलिमेंट है 2, इवेंट बी जो था जिसका कॉम्प्लीमेंट था उसके अंदर बाकी सारे एलिमेंट कवर हो गए थे 1, 3, 4, 5, 6, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो इसके अंदर नहीं है सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो अगर आप इनको कलेक्टिवली देखो तो ये एक एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाएगा। जब आप यूनियन लोगे तो आपके पास पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। जैसे आपने सेट के अंदर देखा था एक सेट ए है और ए कॉम्प्लीमेंट आप निकालते थे, जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट निकालते थे और इसका यूनियन लेते थे तो अगेन यूनिवर्सल के बराबर आ जाया करता था। यूनिवर्सल यहां पर क्या है, सैंपल स्पेस, बड़ा वाला सेट जो है यहां पर। तो हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे कॉम्प्लीमेंट्री जो है इसमें भी आप यूनियन ले लो सेंट्रल स्पेस के बराबर होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में हर चीज कवर हो जाती है। ये समझ लो एक चीज आ रही है और दूसरी चीज नहीं आ रही, तो नई के अंदर सारे पॉसिबिलिटीज आ जाती है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एग्जॉस्टिव होगा लाजमी, हर सिचुएशन में वो एग्जॉस्टिव होंगे। दूसरी चीज वो लाजमी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्योंकि ना वाला केस आ गया, इवेंट ए हो रहा है इवेंट बी के इवेंट ए ना हो, ना के अंदर जाहिर सी बात है कुछ चीजें कॉमन तो नहीं होंगी उनके अंदर, वरना वो तो एक साथ हो जाएंगे परफॉर्म, तो
तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। लेकिन ये एक साथ पढ़ाने की वजह ये थी, लेकिन अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो जरूरी नहीं है वो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री है वो म्यूचुअली लाजमी होगा, लेकिन अगर कोई म्यूचुअल है वो जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कंसिडर किया था, एग्जाम्पल दी थी कि फॉर एग्जाम्पल इसको कंसिडर करो, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। पहले वाले इवेंट के अंदर आउटकम है 1-2, दूसरे के अंदर 4-5-6, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री होता था कि उस कॉम्प्लीमेंट्री एग्जॉस्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इवेंट है 1-2, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 3-4-5-6। इवेंट ए का मतलब 1 और 2 आ जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि 1 और 2 ना आए, तो वो कैसे हो सकता है कि 3-4-5-6 कुछ भी आ जाए? ठीक है, तो ये 1-2 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे तो ये आएगा 3-4-5-6, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो आपने ऑब्जर्व किया ये वाला इवेंट म्यूचुअल है कि कुछ भी कॉमन नहीं है इनके अंदर, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री की शर्त यह कि वो एग्जॉस्टिव भी होता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हर दफा एग्जॉस्टिव नहीं होगा। जैसे ये वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है जो एग्जॉस्टिव नहीं है, आप यूनियन लो सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आएगा, जबकि ये वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है जिनका यूनियन सैंपल के बराबर है, सैंपल स्पेस के बराबर। तो ये जरूरी नहीं कि जितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, लेकिन ये जरूरी है कि जितने कॉम्प्लीमेंट्री है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लाजमी होंगे। तो मैंने काफी कंपैरिजन इनमें कर दिया, एग्जॉस्टिव इन तीनों के अंदर डिफरेंस आपको आमतौर पर गूगल पे इतना मिलता नहीं है, मैंने डिटेल में क्लियर कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई मसला लग रहा है मेरी स्पीड तेज लग रही है, यूट्यूब में स्लो का ऑप्शन भी है या दोबारा रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। अगर मैं बिल्कुल आहिस्ता जाऊं तो ये मेरी टीचिंग नहीं है आहिस्ता पढ़ाना, मैं तेजी अंदाज है मेरा। दूसरा फिर काम बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो काफी डिटेल्स आएगी, अभी बहुत इवेंट जो है वो कवर होना है और मुझे अब गर्मी लग रही है। अच्छा, तो ये एक कैटेगरी जो है वो मैंने पूरी कवर कर दी आप लोगों की। अच्छा, उसके बाद अब डिफरेंट कंसिडर करते हैं। फिर एक और टाइप होती है जिसको आप बोलते हो इक्वली लाइकली इवेंट। ऐसे इवेंट जो इक्वली लाइकली है, उसका मतलब यह कि वो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, जिनके अक्रेंस के, जिनके होने के चांसेस सेम हो, ऑड्स सेम हो, लाइकलीनेस उनकी सेम हो, प्रोबेबिलिटी उनकी सेम हो, कुछ भी बोल दो। फॉर एग्जाम्पल इवेंट ए और बी, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। क्यों? अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, मैं फॉर्मुला भी लिखाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलती है कि जो इवेंट आप कंसीडर कर रहे हो ना, मतलब किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो जो इवेंट आप कंसीडर कर रहे हो उसके अंदर कितने आउटकम्स हैं, जिसको दूसरी लैंग्वेज में आप बोलते हो कितने फेवरेबल केस हैं, मतलब इवेंट ए के कितने फेवरेबल केस हैं, 3 केस है, 2-4-6, या दूसरी लैंग्वेज में आप बोलते हो कि इवेंट ए के अंदर कितने आउटकम है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो अगर मैं आपको बोलूं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इवेंट ए को कितने केस फेवर कर रहे हैं, 3, 2-4-6, जबकि टोटल आउटकम कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, 0.5 प्रोबेबिलिटी। इसी तरह आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 आ रही है। तो कहने का मतलब इन दोनों इवेंट के चांसेस सेम हैं, जैसे आप हेड और टेल, ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है, इवेंट ए हेड आना, इवेंट बी टेल आना, इक्वली लाइकली है। इवेंट हेड का जो है इसके भी चांसेस 50% है, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है, और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, मतलब 50% चांसेस है। तो अब चांसेस 50% है, आएगा जो भी, फेंकने से पहले आपको पता है कि चांसेस 50% है। अब जो एक्चुअल में आ रहा है वो अलग बात है, आप बेशक 100 रेटिंग भी ले लो, टेबल बना लो पूरा, आप उसमें बेशक देखो कि हेड ज्यादा दफा आया है। फॉर एग्जाम्पल ये भी सवाल बच्चों का होता है कि सर हमने 100 दफा रीडिंग परफॉर्म की है, उसमें हेड 60 दफा आया है, टेल 40 दफा आया है, लेकिन अभी भी जब आप 101 दफा परफॉर्म करोगे चांसेस अभी भी सेम है उनके, 50-50 है, ये जहन में रखना ना, चांसेस सेम ही रहेंगे उनके। एक्चुअल में क्या परफॉर्म हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन चांसेस उनके सेम ही रहते हैं कि आपने 101 दफा भी जब परफॉर्म कर रहे हो तो चांसेस सेम ही रहेंगे उसके। अगर आपको इसको मजीद क्लैरिफाई करना है ना, तो आप फिर जो रीडिंग्स हैं वो बहुत इनफाइनाइट करो, आप 10,000 रीडिंग लो, तब जाके आप ऑब्जर्व करोगे कि चांसेस 50-50 है। फॉर एग्जाम्पल आप 10 रीडिंग लेते हो, जैसे वर्ल्ड कप में मुझे याद है, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान मेरे ख्याल में शुरू के 3-4 टॉस जीत गया था, कोई 1-2 हारा था, तो प्रोबेबिलिटी तो सेम है इनकी, लेकिन हेड ज्यादा दफा है, टेल कम दफा है। तो आप ही कहोगे यार एक्चुअल में तो अलग बात है, एक्चुअल में अलग नहीं है, आप रेटिंग ज्यादा लो, आप रेटिंग जब से पाकिस्तान की टीम बनी है ना तब से लेके आज तक के टॉस काउंट करो, तो जब इतनी ज्यादा रेटिंग लोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि चांसेस ऑलमोस्ट इक्वली होंगे इनके, लेके देखना। या अगर आप खुद परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास सिक्का है, तो आप 10,000 दफा परफॉर्म करो, 10,000 दफा रीडिंग लाओ,
तब आप ऑब्जर्व करोगे नहीं यार चांसेस इनके तकरीबन सेम ही है, ऑलमोस्ट 50-50 होंगे, आप करके देखिए ना। आप जब कम रेटिंग लोगे फिर परफॉर्म करोगे तो गलत बात है ना, फिर मैं फॉर एग्जांपल चार दफा में परफॉर्म किया, तीन दफा हेड आ गया, किस्मत है आपके, चांसेस होते हैं ना। लेकिन वो चांसेस अगर आप 10 दफा करोगे तो मे बी 10 ज्यादा दफा आ जाए, तो एक्चुअल अगर आपने सही देखना है ना तो आप नंबर ऑफ रेटिंग इनफाइनाइट करो, तो फिर आप ऑब्जर्व करोगे हाँ यार 50-50% चांसेस है। तो इस सवाल का भी मैंने आपको जवाब दे दिया। तो खैर इक्वली लाइकली इवेंट ऐसे होते हैं जिनके चांसेस सेम होते हैं कि यार दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है कि चीज हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद है, अच्छा नॉट, उन्होंने बोला कि नॉट की एग्जांपल भी दो, मैंने लिखा हुआ था नॉट, अगर मतलब इक्वली लाइकली इवेंट अगर कोई ना हो तो वो कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि टू आना, इवेंट ए क्या है टू आना, और इवेंट बी हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर आना, दो इवेंट कंसिडर करते हैं। इवेंट ए है कि जब आप डाई फेंको तो आपके पास टू आए, अब इसका ए की फेवरेबल केस है कि टू आए, टू किसी और तरीके से तो नहीं आ सकता, तो इसका इवेंट का जो ए की फेवरेबल केस है वन डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने होते हैं छह, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या वन अपॉन सिक्स, जबकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है थ्री अपॉन सिक्स मतलब वन अपॉन टू, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है, तो दैट्स व्हाई ये इवेंट जो है इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होंगे। क्या आप थोड़ा सोचो ना, आप सेंस बनाती है बात, इस इवेंट के परफॉर्म होने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि आउटकम 1, 3, 5 है, जबकि इस इवेंट के परफॉर्म होने के चांसेस कम है, तो जाहिर सी बात है चांसेस सेम नहीं है इनके, तो जब चांसेस सेम नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते कि इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। अच्छा जी फिर है सर्टेन इवेंट, ये भी देख लेते हैं। सर्टेन इवेंट एक भी हो सकता है, इक्वली लाइकली इवेंट में आपको दो चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री में दो चाहिए, एग्जॉस्टिव में मिनिमम दो चाहिए, म्यूचुअली में भी दो चाहिए, लेकिन सर्टेन इवेंट एक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोलो कि मैं इवेंट को डिफाइन कर रहा हूं, इवेंट है कि जब आप मैं डाई को फेंकूं तो लेस देन 7 कोई नंबर आए, इवेंट फॉर एग्जांपल डिफाइन करते हैं कि लेस देन 7 आए, इवेंट एक डी है क्या है कि जब मैं डाई को फेंकूं तो मेरे पास लेस देन 7 आए, ये इवेंट सर्टेन इवेंट है। सर्टेन इवेंट वो है कि लाजमी होगा, वो 100% चांस है भाई, जब आप डाई फेंकोगे तो लेस देन 7 ही आएगा ना, कुछ कैसा पॉसिबल है डाई फेंका 10 आ गया, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब ये वो इवेंट है कि लेस देन 7 आए, ये जो इवेंट है ये सर्टेन इवेंट है, इसको श्योर इवेंट भी कहते हैं, श्योर मतलब लाजमी होगा, ये 100% प्रोबेबिलिटी 1 है इसकी, परसेंटेज में बात करो तो 100% प्रोबेबिलिटी है इसकी कि इवेंट लाजमी परफॉर्म होगा। इसी तरीके से आप बोलो कि हेड, आप एक इवेंट ए डिफाइन करो, फॉर एग्जाम्पल इवेंट सी डिफाइन कर लेते हैं, क्या आपने कॉइन टॉस किया आपके पास हेड आ जाए या टेल आ जाए, यही होगा भाई, आप जब कॉइन टॉस करते हो तो या तो हेड आता है टेल आता है, इवेंट सी क्या है हेड आ जाए या टेल आ जाए, ठीक है, तो ये इवेंट सी हमेशा परफॉर्म होगा, जब भी आप कॉइन फेंकोगे आपके पास या तो हेड आता है या टेल आता है, तो हर दोनों सिचुएशन में इवेंट सी तो परफॉर्म हो रहा है ना, इवेंट सी उसे परफॉर्म होगा जब हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो यही सिचुएशन है आपके पास। इसका मतलब आप इस इवेंट को क्या बोलोगे, यार सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है कि ये होगा होगा, ठीक है। और इसका अगली टाइप इम्पॉसिबल होगा ना, हाँ सर्टेन इवेंट लिखा हुआ है नॉट अटेम्प्ट पेपर फेल। अच्छा मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई थी कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो फिर ये सर्टेन है कि आप फेल हो गए, मतलब आप 100% गारंटी दे सकते हो कि नहीं आप ये फेल हो गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि इवेंट परफॉर्म ना हो, फेल होने का इवेंट लास्ट भी परफॉर्म होगा अगर आप पेपर नहीं दोगे, ठीक है, तो ये सर्टेन इवेंट आप इसको बोल सकते हो। अच्छा इसके बाद जो कैटेगरी है वो है इम्पॉसिबल इवेंट, नाम आपको ये बता रहा है कि इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ये है कि ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि इवेंट है कि अगर मैंने डाई फेंकी और मेरे पास कोई ग्रेटर देन 6 नंबर आ जाए, क्या मैंने बात बोली है ग्रेटर देन 6 आ जाए, फॉर एग्जांपल एक इवेंट डी है, क्या इवेंट है कि डाई फेंको और आपके पास ग्रेटर देन 6 नंबर आ, आपको पता है डाई जब फेंकोगे तो ग्रेटर देन 6 नंबर नहीं आ सकता, 7, 8, 10 कुछ भी नहीं आ सकता, तो ये ऐसा इवेंट है जो आप बोल सकते हो कि परफॉर्म हो ही नहीं सकता, जीरो चांसेस है, जीरो प्रोबेबिलिटी है इसकी, ये इवेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि आपके पास ग्रेटर देन 6 नंबर आ जाए। इसी तरह और कौन से एक्सपेरिमेंट हो सकते, मैंने एग्जांपल तो और ही लिखी ना, ये वाला एग्जांपल वैसे है तो काफी, लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट आप कुछ भी और ले सकते, फॉर एग्जांपल आप सेव की एग्जांपल ले लो कि यार अगर मैं सेव छोड़ू तो इवेंट क्या है कि ऊपर जाए, ये इवेंट कभी परफॉर्म नहीं हो सकता, सेव को अगर आप छोड़ोगे तो वो नीचे ही जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो कि इवेंट हो ही नहीं सकता। अच्छा उसके बाद है आइडेंटिकल इवेंट्स, आइडेंटिकल के कौन नाम, इधर इक्विवेलेंट था, इक्विवेलेंस था, क्या नाम था इसका,
इक्विवेलेंट। हाँ एक और उसका नाम है इक्विवेलेंट इवेंट, ये वो इवेंट होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पहला इवेंट परफॉर्म हो रहा है ना तो आप बोल सकते हो कि दूसरा तो लाजमी परफॉर्म होगा, या अगर दूसरा आ रहा है तो पहला लाजमी होगा। एक एग्जांपल मुझे इसकी मिली है, फॉर एग्जांपल आप इवेंट ए बोलो कि आपके पास कोई इवन नंबर आए, आपने स्पेसिफाई नहीं कि आपने बस बोला कि इवन नंबर आए मेरे पास, और इवेंट बी बोलो आप कि 2, 4, 6, इसके अंदर आपने बता दिया कि आपके पास 2, 4, 6 आउटकम है। अगर आप इन दोनों इवेंट को देखो तो आप आइडेंटिकली बोलोगे ना, वैसे भी आप थोड़ा सोचो तो ये आइडेंटिकल ही है ना, इवन नंबर आना है 2, 4, 6 आना, तो आप इन दोनों इवेंट को आइडेंटिकल बोलोगे। क्यों? अगर एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है तो दूसरा लाजमी होगा, अगर दूसरा हो रहा है तो पहला लाजमी होगा, इफ एंड ऑनली इफ की कंडीशन है कि अगर पहला इवेंट परफॉर्म हो रहा है इफ एंड ऑनली इफ की दूसरा हो, मतलब दोनों तरफ से बात चल रही हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने डाई फेंका, आपके पास इवन नंबर आ गया तो पहला इवेंट परफॉर्म हो गया, और अगर पहला इवेंट परफॉर्म हो गया तो आपको पता दूसरा भी परफॉर्म होगा। क्यों? जो इवन नंबर आया है वो या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, तो दूसरा इवेंट भी परफॉर्म हो गया। या अगर आप बोलते हो कि आपने डाई फेंका आपके पास 2 आ गया, मतलब इवेंट बी परफॉर्म हो गया, तो आपको पता है अगर बी परफॉर्म हो गया तो ए लाजमी परफॉर्म होगा, क्योंकि 2 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इवेंट ए भी परफॉर्म हो गया। तो ये इवेंट ऐसे होते हैं कि अगर एक हो रहा है तो दूसरा लाजमी परफॉर्म होगा। अच्छा, और आखिरी अब वो है इंडिपेंडेंट इवेंट, ये भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं बच्चों कि डिपेंडेंट ना हो, कहने का मतलब कि पहले इवेंट का दूसरे पे कोई असर ना पड़े। इसकी एग्जांपल मैंने आपको गाड़ियों वाली दी थी, अगर आप लोगों को याद हो मैंने काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आपको बताया था गाड़ियों वाली एग्जांपल दी थी कि अगर एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है ना तो दूसरे पे असर नहीं होना चाहिए। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, कार्ड्स वाली एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 52 कार्ड्स हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने कार्ड एक उठाया है, पहला इवेंट क्या है कि जो मैंने कार्ड उठाया है वो रेड हो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 26 रेड कार्ड जो है कितने होते हैं? 26 होते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल 52 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो इवेंट ए जो है वो क्या था? इवेंट ए था कि रेड कार्ड आए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। प्रोबेबिलिटी ऐसा काम नहीं है कोई, वैसे मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं हाँ प्रोबेबिलिटी काम आएगी एक जगह पे कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 एक कार्ड उठा लिया। अब मैं बोलता हूं इवेंट बी कि जब मैं दूसरा कार्ड उठाऊं, यहां पे चीज इंटरेस्टेड होती है, यहां पे चीज होती है विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर जो मैंने पहला कार्ड उठाया है उसको मैंने दोबारा उस जगह पे रख दिया है तो अब इवेंट बी जो है वो डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और अगर जो मैंने कार्ड उठाया है उसको मैंने 52 के अंदर ही रखा बल्कि उसको मैंने साइड पे रख दिया, अब जो इवेंट बी है वो क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इवेंट बी आप ही कर लो कि जो आप दूसरा कार्ड उठाओ वो रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालो कि जो मैंने दूसरा कार्ड उठाया वो रेड है, ठीक है। तो अब ये दूसरा इवेंट जो है ये डिपेंड कर रहा है पहले क्यों। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला कार्ड उठाया था ना तो वो मैंने जैसे रेड कार्ड उठाया था वो मैंने कार्ड्स के अंदर मिक्स नहीं किया था बल्कि उसको साइड पे फेंक दिया था। अब जब ये दूसरा इवेंट जो है ये जो है डिपेंड कर रहा है पहले के ऊपर। क्यों? अगर पहला इवेंट ना होता तो इस दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती, लेकिन पहला इवेंट हो गया है अब दूसरे की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल एक रेड आपने उठाया और साइड पे रख दिया, अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे? अब टोटल 25 रेड है और टोटल कार्ड कितने? 51। प्रोबेबिलिटी देख लो 1/2 नहीं है, यहां पे चेंज हो गया प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है। इवेंट बी जो है वो डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर। कैसे? अगर इवेंट ए परफॉर्म जब आपने किया और उस कार्ड को रख दिया 52 कार्ड्स के अंदर तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी वही आएगी 1/2, लेकिन अगर आपने उस कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, आपने उस कार्ड को जो पहले इवेंट परफॉर्म किया था उसको उठा के साइड पे रख दिया, अब इवेंट बी जो है वो डिपेंड कर रहा है पहले के ऊपर कि आप जब उसकी प्रोबेबिलिटी अब उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो इस केस में आप क्या बोलोगे? विद रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट नहीं बनते, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो उस कार्ड को उठाकर साइड पे रख रहे हो तो अब जो प्रोबेबिलिटी है ना वो चेंज हो जाती है, मतलब वो डिपेंड कर रहा होता है, इवेंट बी डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर इस केस में। तो ये एग्जांपल आप कह सकते हो कि डिपेंडेंट इवेंट ही होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जिनका असर जो है वो दूसरे इवेंट में ना हो, कि आपने पहला इवेंट परफॉर्म किया जब आप दूसरा इवेंट परफॉर्म करने लगो तो वो इंडिपेंडेंट हो ए से, कि पहले इवेंट को आपने किसी भी तरीके से परफॉर्म किया इवेंट बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर इवेंट बी पे फर्क पड़े, इवेंट ए आपने जिस तरीके से परफॉर्म किया अगर उसका असर इवेंट बी पे भी पड़ रहा है तो अब आप उसको क्या बोलोगे कि यार वो इवेंट जो है वो डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने गाड़ियों की एग्जांपल दी थी, अभी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे सकता है
कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक मैनुअल, दो ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप गियर के हिसाब से बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कलर के हिसाब से बात कर रहे हो तो आपके पास पांच ऑप्शन है, रेड ब्लैक ग्रीन येलो व्हाइट, कंसिडर कर लो ये सारे। तो अभी दो इवेंट है, टोटल केसेस कितने हैं, दो इसके हैं पांच इसके, टू मल्टीप्लाई फाइव टेन, टेन तरीकों से आप पिक कर सकते हो ना, मतलब आप ऑटोमेटिक लो उसके साथ रेड लो, आप ऑटोमेटिक लो ब्लू लो, ऑटोमेटिक ग्रीन, ऑटोमेटिक येलो, ऑटोमेटिक व्हाइट, ये पांच केसेस बन गए। अगेन आप मैनुअल ले लो और पांच केसेस यहां पे बन जाएंगे। तो टोटल कितने तरीके से आप गाड़ी चूज कर सकते हो, दस तरीकों से चूज कर सकते हो। तो अभी ये पहला इवेंट कि आप गियर के हिसाब से गाड़ी को पिक करो, और दूसरा इवेंट कि आपने कलर क्या चूज करना है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आपने पहला पहले आप ये परफॉर्म करो और फिर ये परफॉर्म करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या पहले ये परफॉर्म कर लो उसके बाद ये परफॉर्म कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं इसको डिपेंडेंट करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी पिक कर रहे हो तो आप उसमें ब्लैक कलर नहीं ले सकते। अब दूसरा इवेंट डिपेंड कर रहा है पहले के ऊपर, कैसे, अगर पहला इवेंट में आपने ऑटोमेटिक उठाई है तो अब दूसरे इवेंट में आप ब्लैक नहीं उठा सकते। अगर आपने पहले इवेंट में मैनुअल उठाई है तो दूसरे में ब्लैक उठा सकते हो। तो ये दूसरा डिपेंड कर रहा है ना पहले के ऊपर, क्या आपने ऑटोमेटिक उठाया तो आप ब्लैक नहीं उठा सकते, तो ये केस बन गया डिपेंडेंट का, ठीक है। और जो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ना, इनकी प्रोबेबिलिटी एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, बुक में शायद नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, बुक में आपको नहीं मिलेगी ये। और जो इंडिपेंडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बड़ा इजी होता है, आप कोई भी एक इवेंट फिक्स करो, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे। तो ये बच्चों इवेंट्स की सारी टाइप्स मैंने आपको बता दी, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, आप काफी पढ़ते हो, वो सब मैंने क्लियर कर दिए, जितने सवाल हो सकते थे डिफरेंस हर एक एक चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के फॉर्मुले देखेंगे, वैल्यूज देखेंगे, लॉज देखेंगे, एडिशन लॉ, मल्टीप्लीकेशन लॉ, डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट हमारे लेक्चर थे वो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थे, मतलब उसमें हमने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी थी, हमने प्रोबेबिलिटी समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसके बारे में देखा था, जो टर्म्स आमतौर पर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इसकी फील्ड में यूज होती है, ये टॉपिक्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आते हैं, तो इसमें नॉर्मली हम यूज कर रहे थे वो टर्म्स, इवेंट्स, डिफरेंट टाइप के इवेंट थे, फिर आउटकम, सैंपल स्पेस, ट्रायल, एक्सपेरिमेंट, सब चीजों के बारे में हमने देखा था। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है और किस तरह आप यूज करते हो इसका। सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी के लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आप काउंटिंग कर रहे होते हो, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, काउंटिंग प्रिंसिपल, इन चीजों के लिए हमने तभी पढ़े थे कि हमें काउंटिंग करने में आसानी हो। प्रोबेबिलिटी में काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, आगे जाके 7.4, 7.5 देखोगे आप कहीं कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, कहीं प्रोडक्ट प्रिंसिपल हो रहा होगा, कहीं परमोटेशन हो रहा होगा, आप काउंट करते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप उसमें देखोगे कि आप काउंटिंग कर रहे होते हो, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती क्यों है। यार मेरे ख्याल में आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो कि जो प्रोबेबिलिटी है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि चांसेस, किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, ये आपको जिंदगी में काफी काम आती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फील्ड उठा के देखो तो चांसेस जो है वो आप काफी कंसिडर कर रहे होते हो कि यार इस चीज के चांसेस ज्यादा हैं, इस तरह मैं करूंगा तो ये चांसेस ज्यादा होंगे। कितने दफा आप ये नहीं बोल सकते कि इस तरह मैं करूंगा तो 100% ऐसा होगा, आप ये बोलते हैं चांसेस हैं कि इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल वेदर है, वेदर की प्रेडिक्शन में आपने देखा होगा यार इतने परसेंट चांसेस है कि बारिश होगी। मैचेस जब आप देख रहे होते हो तो होता है ना कि यार बताते हैं कि आज वेदर की प्रेडिक्शन ये है कि इतने परसेंट चांसेस है कि बारिश होगी, मेजोरिटी केसेस में हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि नहीं हो रही, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस है, जरूरी नहीं कि जो 70% चांसेस का मतलब कि वो चीज होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब वो चीज मतलब ऑलमोस्ट होगी, आप ये समझ लो, लेकिन हो रही है नहीं हो रही ये आप कंफर्म नहीं कह सकते, आप ये बता सकते हो कि चांसेस ज्यादा है इस चीज के होने के। फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे साल को बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट उसने हासिल किए हैं, तो चांसेस यही है, ज्यादा चांसेस है कि यार वो बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा। लेकिन एट द एंड मे बी पेपर उससे स्किप हो जाए, पेपर में सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, बीमार हो गए, ये समझ लो कि तैयारी अच्छी ना हो, फॉर्मूला भूल गया, वो सब चीजें होगी, तो बाकी चीजें एट द एंड हो सकती हैं, लेकिन ये रेयर होता है। अगर आपको बोला जाए कि ज्यादा चांसेस हैं तो आप मेजोरिटी लोगों को देखोगे जो सही तरह पूरे साल पढ़ते हैं तो उनके पेपर भी फिर अच्छे होते हैं, क्योंकि चांसेस ज्यादा होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप मेरे जहन में जितनी चीजें आ रही मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप अपने अराउंड अगर ढूंढोगे ना तो ये प्रोबेबिलिटी, इसी तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था 24 अक्टूबर को, तो चांसेस क्या आते हैं कि इंडिया जीतेगा, क्यों, क्योंकि पुराना हमारे पास एक्सपीरियंस था कि वर्ल्ड कप में इंडिया जीतता है, चांसेस थे,
लेकिन कितने ज्यादा चांसेस थे कि इंडिया जीतेगा? इवन पाकिस्तान ही बैठ के सोच रहे थे नहीं इंडिया जीत जाएगा, इतने चांसेस थे, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, पाकिस्तान जीत गया। तो चांसेस होते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि चांसेस बहुत ज्यादा लेकिन वो चीज नहीं होती। तो एक प्रिडिक्शन है आप ये कह दो, तो प्रोबेबिलिटी के यूज करने का फायदा आपको पता चल गया कि आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो, और जब प्रिडिक्शन मतलब चांसेस ज्यादा होते हैं तो मोस्टली केस में वो चीज होती है, तो इसलिए आप प्रिडिक्शन के लिए यूज कर रहे हो। तो इसी तरह आप ये देखते हो कि जो ओशन में टाइड्स हैं अगर वो ज्यादा होती हैं, आप प्रिडिक्ट कर लेते हो कि यार नहीं इन हफ्ते में जो ओशन टाइड्स हैं वो ज्यादा होंगी, तो पहली जो माहीगीर होते हैं उनको बता दिया जाता है कि यार नहीं इस दफा लहरें ज्यादा होंगी, आप लोग थोड़ा दूर रहें इससे। तो प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी की हर लाइफ में आप ये कर रहे होते हो। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की होती है कि आप मेजर करते हो चांसेस को किसी भी चीज के होने के, कोई भी एक अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप बोलो कोई इवेंट है, ठीक है, एक इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, इसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, मेजर ऑफ द चांसेस, मेजर ऑफ द चांसेस ऑफ एन इवेंट टू अकर, किसी भी इवेंट के होने के अकर होने के चांसेस कितने हैं, इसको आप कहते हो प्रोबेबिलिटी। ये है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये बेचारी सिंपल सी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले के जरिए से भी डिफाइन किया जाता है, लेकिन वो तो फॉर्मूले को डिफाइन किया हुआ ना, असल में होती क्या प्रोबेबिलिटी वो मैंने आपको बता दिया। तो आपने इंपॉर्टेंस इसकी देख ली, प्रोबेबिलिटी होती क्या वो आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है वो मुझे नजर नहीं आ रहा, हाँ वो ये है कि प्रोबेबिलिटी की टाइप्स भी होती है। सब टाइप्स हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है ये काइंड ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है, ये एसोसिएटेड स्टैटिस्टिक्स से, तो ज्यादा हम उस फील्ड में जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नॉर्मली जो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। एक इंपॉर्टेंट टाइप ऐसी भी होती है जिसको आप बोलते हो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बहुत दफा सुना होगा कि जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो 50% चांसेस है हेड आए, 50% चांसेस है टेल आए, लेकिन ये चांसेस होते हैं। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और उसमें 5 दफा आप कॉइन को टॉस करो तो अब उसमें 50-50% नहीं है, 5 दफा टॉस करोगे तो मे भी ऐसा 4 दफा हेड आए 1 दफा टेल आए, तो आप ही कहोगे यार हेड तो ज्यादा दफा आ रहा है जबकि चांसेस बता रहे थे 50%। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर 4 दफा हेड आया 1 दफा टेल आया तो हेड आने की 80% प्रोबेबिलिटी है और 20% टेल की है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ये होगी, और थ्योरेटिकल क्या होती है 50-50। तो ये फर्क होता है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में। लेकिन जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और प्रोबेबिलिटी वहां से निकाल रहे होते हो, कोई सर्वे परफॉर्म करते हो, आप स्टैटिस्टिक्स में आप पूरे सर्वे परफॉर्म कर रहे होते हो, सैंपलिंग होती है, तो यार इस रीजन में जैसे अभी इलेक्शन का वक्त है तो लोगों को एक बोला जाता है कि पाकिस्तान की राय है कि पीटीआई जीतेगी, नून लीग जीतेगी, और पूरे पाकिस्तान से ढूंढने उन्होंने पूछा होगा, तो क्या करते हैं वो एक सैंपल उठाते हैं, 1000 बंदों का सैंपल उठा लिया इस जगह से उस जगह से। सैंपलिंग के भी मेथड होते हैं डिफरेंट किस्म की, रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, डिफरेंट सैंपलिंग होती है, मेथड बनाए हुए होते हैं कि वो आपने इस जगह से इन लोगों को पिक किया, आपने उनसे राय ली और फिर आप उसको पूरे पॉपुलेशन के लिए लगा देते हो, मतलब उठाए आपने 100 लोग 1000 लोग लेकिन आपने पूरे पाकिस्तान उनको रिप्रेजेंट करवा दिया, तो ये आप सैंपलिंग कर रहे होते हो। तो जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो एक्सपेरिमेंटल या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो कि उससे हमने डेटा से कैलकुलेट की भी है, तो अभी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बराबर हो सकती है जब आप ज्यादा सैंपल कंसीडर करो। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 दफा कॉइन को टॉस करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि 50-50% नहीं होगा, मे भी हो जाए लेकिन नहीं होगा। इसी तरह 10 दफा आपने कॉइन टॉस किया तो मे भी 50-50 ना हो, 6 दफा टेल आ जाए, 4 दफा हेड आ जाए, लेकिन जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा ट्रायल करोगे, फॉर एग्जाम्पल 1000 ट्रायल करो, 10000 ट्रायल करो, 1 मिलियन ट्रायल करो, तो फिर आप उस वक्त ऑब्जर्व करोगे यार नहीं, क्योंकि जब ट्रायल इतने ज्यादा होंगे ना तो फिर आप ये ऑब्जर्व करोगे एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी है वो भी यही आ रही होगी कि ऑलमोस्ट 50% हेड आ रहा है, 50% टेल आ रहा है, लेकिन उस वक्त होगा जब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है। तो ये 2 किस्म की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, सिंध बोर्ड में टॉपिक है नहीं स्टैट का, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने टच उसका भी दे दिए, जैसे वो इस्लामिक टच दे रहे थे वो कासिम सूरी भाई, तो हमने थोड़ा स्टैट्स का भी टच दे दिया आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद अब आज जो फॉर्मूले पे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप क्या यूज करते हो, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है ना वो बड़ा इजी है समझने के लिए, और अगर आप इसके फॉर्मूले पे आओ तो देखो फॉर्मूले की वर्डिंग काफी ज्यादा है जो मार्केट में आपको मिलेंगी, लेकिन मैं आपको सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ, एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको नाम दे दिया इवेंट ए, और आपको निकालनी है उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले सिंबल क्या होता है, पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर में आप रखते हो नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, कितने तरीके से वो इवेंट आपका हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब ये सब काउंटिंग है, आप काउंट कर रहे हो कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं उस इवेंट जो हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हैं। तो ये सब काउंटिंग चल रही है आपकी, जो आप पहले कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि आपने एक डाई जो है उसको रोल किया है, छक्का जिसको आप लूडो में यूज करते हो उसको रोल किया है, मुझे बताओ, मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूं, इवेंट है इवन नंबर आना। अब इवन नंबर कितने तरीकों से आ सकता है, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, मतलब नंबर ऑफ वेज के इवन नंबर आना, ये जो इवेंट है ये कितने तरीके से हो सकता है। तो बच्चों तीन तरीके से ही हो सकता है, कि आपके पास टू आ जाए, आपके पास फोर आ जाए, आपके पास सिक्स आ जाए। तो न्यूमरेटर में आप लिखोगे तीन, भाई तीन तरीके से ये इवेंट हो सकता है। डिनोमिनेटर में आप लिखोगे कि जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसके टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है किसी भी एक्सपेरिमेंट को, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा बेहतर तरीका ये कि आप लिखे थे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है कितने। तो आपको पता है जब आप डाई को रोल करते हो तो टोटल छह आउटकम आ सकते हैं, वन आ सकता है, टू आ सकते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ सकता है। इसी तरह आगे जाके अभी आप ऐसी भी एग्जांपल देखोगे जिसमें हम दो डाई को एक साथ रोल कर रहे होंगे, तो अब टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, 36 आउटकम आ सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया था, अगर एक इवेंट होने के चांसेस हैं, सॉरी एक इवेंट होने के छह तरीके से हो सकता है, दूसरा इवेंट छह तरीके से हो सकता है, तो एक साथ होने के कितने आपके पास होंगे, 6 × 36 पॉसिबल होंगे, 36 आउटकम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले डाई पे वन आ जाए, दूसरे पे फोर आ जाए, पहले पे थ्री आ जाए, दूसरे पे छह आ जाए, इस तरह करते करते इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आएंगे तब आप लोग देख भी लोगे 36 आउटकम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं कि मेरे पास सम जो है वो 12 आए, मतलब दोनों आपने डाई फेंकी, सम जो है दोनों का मिला के 12 आए, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है इस इवेंट के होने की, कि पहले वाले डाई पे भी 6 आए, दूसरे वाले पे भी 6 आए, तभी 6 + 6 सम जो है वो 12 आएगा। अगर दोनों पे कोई और नंबर आएगा तो सम 12 नहीं हो सकता। तो इस इवेंट को एक ही केस फेवर कर रहा है, इसको ये भी ऊपर फॉर्मूला इस तरह भी लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, के उस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं, या दूसरी लैंग्वेज में वो इवेंट कितने तरीके से आ सकता है, कितने तरीके से हो सकता है। तो ये इवेंट बच्चों एक ही तरीके से हो सकता है, तो आप लिखोगे ऊपर वन, और नीचे क्या लिखोगे, टोटल आउटकम कितने हैं, जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो टोटल आउटकम 36 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जो आप प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर रहे होते हो। अब आप देखो इसमें काउंटिंग कर रहे हो तो काउंटिंग का काफी काम यहां पे यूज होगा। फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद बच्चों अब हमने जो डिस्कस करना है वो है प्रोबेबिलिटी की रेंज, प्रोबेबिलिटी क्या क्या आ सकती है। देखो प्रोबेबिलिटी परसेंटेजेस में ही बताई जाती है और डेसिमल में ही बताई जाती है। परसेंटेजेस में प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0% से लेके 100% तक, और अगर आप डेसिमल में देखो तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक होती है। क्यों 0 से लेके 1 तक क्यों होती है, देख लेते हैं हम। तो हम क्या डिस्कस करने हैं कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है। याद रखना प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों वो 0 से लेके 0 भी हो सकती है या 0 से ग्रेटर होगी, और 1 भी हो सकती है या 1 से कम होगी, मतलब 0 और 1 के दरमियान होगी। उसकी रीजन ये है कि भाई ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पहली फॉर एग्जांपल मैं एक जनरलाइज बात करता हूं, आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी a/b आ रही है, ठीक है। अब क्या क्या चांसेस है, सबसे पहला चांस ये है कि जो a लिखा हुआ है ना ये लेस देन b होगा, ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो लेस देन b होगी। जैसे आपने देखा था एक दफा प्रोबेबिलिटी आई थी 3/6 वो इवन नंबर वाली जो मैंने आपको बताई थी, फिर डाई वाले केस में 1/36 आ रही थी, मतलब ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था वो छोटा था जो नीचे नंबर लिखा हुआ था, एक ही पॉसिबिलिटी है। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो बराबर हो नीचे के, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आप एक डाई फेंको और इवेंट क्या है कि लेस देन 7 कोई नंबर आए, अब इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं भाई। अगर आप एक डाई फेंकोगे तो लेस देन 7 कितने आउटकम होंगे, सारे आउटकम होंगे। आपको पता है जब भी आप डाई फेंकते हो तो लेस देन 7 ही कुछ आता है, तो अगर 1 आए ये भी इस इवेंट को फेवर कर रहा है, अगर 2 आए ये भी इस इवेंट को फेवर कर रहा है, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, ये सब इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं। इवेंट क्या है, लेस देन 7 नंबर। तो ये जो इवेंट है ना इसमें ऊपर 6 आएंगे, इस इवेंट को 6 केस फेवर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल केस कितने, टोटल केस भी 6 हैं। तो आपने यहां पर ऑब्जर्व करोगे ऊपर और नीचे चीज लिखी है बराबर है, तो ए बी के बराबर भी हो सकता है।
इसी तरीके से ए जो है वो जीरो भी हो सकता है, ये भी तो आपने ऑब्जर्व किया। ए जीरो का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आप डाय फेंको और आपके पास नंबर ग्रेटर देन सेवन आए, आप इस सेवन को कितने केस फेवर कर रहे हैं? आपको पता है सेवन को कोई भी केस फेवर नहीं कर रहा होगा। आप जब भी डाय फेंकोगे सेवन से ग्रेटर कुछ आ ही नहीं सकता, डाय में वन से लेकर सिक्स तक आएगा, सेवन से ग्रेटर कुछ भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये इवेंट कितने तरीके से हो सकता है? जीरो तरीके से हो सकता है, ये इवेंट हो ही नहीं सकता। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। बी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी जीरो हो गया इसका मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसमें कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा, तो सेंस नहीं बन रही ना इस बात की। तो बी जीरो नहीं हो सकता लेकिन ए जीरो हो सकता है बिल्कुल। ये सब मैंने आप लोगों के सामने लिखी है बातें। तो देखो अगर ए लेस देन बी होगा मतलब न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो आपकी वैल्यू जीरो और वन के दरमियान होगी, जीरो और वन के दरमियान कुछ होगी, 0.5, 0.2, 0.3 डिपेंड करेगा कि न्यूमिनेटर कितना छोटा है बी से। अगर जितना ज्यादा छोटा होगा उतना नंबर जीरो के करीब होगा, और जितना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फर्क कम होगा उतना आंसर आपका वन के क्लोज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी के बराबर है तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वन, मतलब ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज बराबर है तो आंसर वन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ए जीरो है तो आपकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो यहां से आप ऑब्जर्व करोगे इन तीन केसेस के अलावा और कोई केस नहीं है, ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसमें आप बोलोगे ए ग्रेटर है बी से। नहीं, ए बी से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम आ रहे हैं, न्यूमिनेटर में जो आउटकम होंगे ना या तो वो इसके बराबर होंगे या कम होंगे। ऐसा पॉसिबल है कि एक एक्सपेरिमेंट में छह आउटकम है और जिस इवेंट को आप डिस्कस कर रहे हो उसको सात आउटकम फेवर कर रहे हैं? सेंस ही नहीं बनती ना, है ही छह आउटकम तो सात कैसे उसको फेवर करेंगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए। न्यूमिनेटर हमेशा क्या होगा? लेस देन बी होगा, या किसी केस में न्यूमिनेटर बी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप ऑब्जर्व करोगे कि डिनोमिनेटर कभी भी छोटा नहीं होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमिनेटर बड़ा होता है तभी आपके पास वन से ग्रेटर कुछ वैल्यू आती है। जबकि यहां पे आपने देखा बी कभी भी बड़ा नहीं होगा, सॉरी बी कभी भी छोटा नहीं होगा न्यूमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में रिलेशन क्या होगा? या तो न्यूमिनेटर छोटा होगा या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा, बस ये दो ही रिलेशन होंगे। तो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी या तो वन आएगी या जीरो आएगी, या जीरो और वन के दरमियान आएगी। तो यहां से आपने बात देखी प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के दरमियान कुछ भी आ सकती है। यहां पे एक और चीज पढ़ाई जाती है, उसको आप बोलते हो प्रोबेबिलिटी स्केल। प्रोबेबिलिटी स्केल का मतलब कि प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बातें बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्केल का मतलब यह है कि आप स्केल ड्रॉ करते हो जिसमें ये वाली वैल्यू जीरो होती है, ये वाली वैल्यू वन होती है, और ये वाली वैल्यू 0.5 होती है। दरमियान में कभी आप 0.25 ले लेते हो, यहां पे 0.75 ले लेते हो। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास जीरो प्रोबेबिलिटी आ रही किसी भी इवेंट की, इसका मतलब वो इवेंट हो ही नहीं सकता। तो उसको आप कहते हो कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, कि वो चीज हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल आपने डाई फेंकी है, आपके पास इवेंट क्या है? ग्रेटर देन सेवन आना, आपको पता है पॉसिबल ही नहीं है। 0.25 अगर प्रोबेबिलिटी आए तो उसको आप बोलते हो अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब कि बहुत कम चांसेस है कि वो इवेंट हो, अनलाइकली है यार ये, ठीक है, चांसेस कम है इस चीज के होने के। 0.5 आए ना तो इसको आप बोलते हो कि इवन चांसेस है, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दरमियान वाली बात है, इवन बात है। इवन जैसे आप रियल में बोलते ना किसी से, आपने किसी को थप्पड़ मारा बचपन में जब हम लड़ते थे अपने बहन भाइयों से, तो अगर वो थप्पड़ मारता था तो एक कर्ज हो जाता था आपके ऊपर, अब आपने भी उसको मारना था, तो जब तक तो बात बराबर नहीं होती थी वो खत्म नहीं होती थी, ठीक है, तो आप मारते रहते थे इस तरह, फारिग थे, आपका भाई फारिग है, आप भी फारिग हो, तो आप दोनों एक दूसरे को मार रहे हो। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब मां बाप आपके दरमियान ना आए तब तक आप बदला लेते रहते हो, आपने मारा उसने मारा, आपने मारा उसने मारा। अगर दरमियान में बात रह जाए और बीच में एक्सटर्नल फोर्स मतलब पेरेंट्स आ जाए, तो जिस बच्चे ने ज्यादा खाए थे होते हैं उसको गुस्सा आ जाता है कि यार मैं तो मार ही नहीं सका अपना, क्यों? क्योंकि इवन नहीं किया उसने, बराबर नहीं की बात, ठीक है। तो इवन चांसेस का मतलब कि दोनों तरफ बात बराबर है। 0.75 का मतलब कि लाइकली, लाइकली का मतलब कि यार इस चीज के होने के ज्यादा चांसेस हैं कि चीज होगी, लाइक एक तरफ बात होगी इस पे, नहीं यार होने के चांसेस ज्यादा हैं इसके, मतलब 50-50% बात नहीं है बल्कि इस वाली चीज के होने के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर वन प्रोबेबिलिटी आ रही इसको आप कहते हो सर्टेन, लाइक लाजमी ये बात होगी, जब प्रोबेबिलिटी वन आ जाएगी इस चीज की तो फिर लाजमी में बात होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक डाई फेंको और आपके पास लेस देन सेवन नंबर आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन है, और ये आपको पता है जब भी आप डाई फेंकोगे तो लाजमी है कि नंबर आपका लेस देन सेवन आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का स्केल होता है, इस तरीके से भी आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे होते हो। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0.25 से अगर कम हो जाए तो लाइकली के और मतलब अनलाइकली के बहुत कम हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि 0.5 से जितना वैल्यू नीचे जाती जाएगी ना उसके होने के उतने कम चांसेस होते जाएंगे, उतने कम होते जाएंगे, और 0.5 से वैल्यू जितनी ग्रेटर होती जाएगी तो उसके चांसेस ज्यादा होने लगते हैं। वन है तो आप बोलोगे 100% होगा, और जीरो है तो आप बोलोगे कि यार ये चीज नहीं हो सकती।
अच्छा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी को पहले छोड़ो, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे ख्याल में ज्यादा बात सही हो जाएगी। हाँ पहले एग्जांपल देते हैं फिर दो तीन बातें बाद में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ये है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कितने तरीके से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हो, कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि आप काउंटिंग कर रहे होते हो फिर प्रोबेबिलिटी कर रहे हो उससे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कंसिडर करो कि आपने टू कॉइन्स को फ्लिप किया है, दो कॉइन्स है आपने फ्लिप किया है, ठीक है, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल बाद में डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपने किस तरीके से निकालनी है। आप इसको सैंपल स्पेस को लिखते किस तरीके, तो सैंपल स्पेस मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में सैंपल स्पेस किस तरीके से लिखा जाता है। सॉरी मैंने बताया था सैंपल स्पेस होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम आप लिख रहे होते हो। तो सैंपल स्पेस के डिफरेंट मेथड होते हैं जो आप यूज कर रहे होते हो। सबसे इजी मेथड ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर दो कॉइन फ्लिप किए हैं तो आप क्या कर रहे होते हो, आप इस तरह मेंशन कर रहे होते हो कि पहले पे हेड आ गया दूसरे पे हेड आ गया, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड और फिर टेल टेल, इस तरीके से आप मेंशन कर रहे होते हो। एक तो ये तरीका होता है, ये मेंशन करने के बाद आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल आपका इवेंट है कि दो टेल आने चाहिए, तो टोटल आउटकम चार है और दो टेल सिर्फ एक ही आउटकम में आ रहे हैं, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इसी तरह डॉट डायग्राम भी आप यूज करते हो, इसको हम पॉसिबिलिटी डायग्राम भी कहते हैं, डॉट डायग्राम भी कहते हैं। उसमें आपको इस तरह लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख के बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हेड टेल ये पहला कॉइन था, ये दूसरा कॉइन है और आपने डॉट लगा दी यहाँ पे, तो डॉट आपको बता दे कि कितने आउटकम है, चार आउटकम है, और इनको पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। तो इस तरह भी पढ़ सकते हो या इस तरह भी पढ़ सकते हो, एक ही बात होगी। क्या आप बोलो हेड हेड टेल हेड, फिर आप बोलो हेड टेल टेल टेल, तो इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो, या उल्टा भी पढ़ सकते हो इसको कि हेड 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 टेल, इसी तरह टेल हेड टेल टेल, चार कवर हो जाएंगे, इस तरीके से भी आप मेंशन कर रहे होते हो। अच्छा इसका एक और भी तरीके, ये सब तरीके उस वक्त होते हैं कि जब आपके पास आउटकम कम है, जितने आउटकम ज्यादा होंगे मसला आपका बढ़ता जाएगा, आपको कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ जाएगी, फिर उसमें लिस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आप पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लोगे, ज्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगा। ये बनाओगे इसमें और देर लग सकती है आपको। फॉर एग्जाम्पल आप अभी सवाल देखोगे जिसमें मेंशन किया हुआ होगा कि आपने दो डाई को एक साथ रोल किए 36 आउटकम होंगे, तो इस तरह करना थोड़ा इजी हो जाएगा। आपने डॉट लगा दिए, इस तरह करना इसमें 36 आउटकम लिखना ज्यादा मसला होगा, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। ये जो पॉसिबिलिटी डायग्राम है ये आप बनाते हो जब आपके पास दो गिवन है चीजें, दो स्टेजेस गिवन है कि एक पहला कॉइन टॉस किया दूसरा कॉइन टॉस किया, तीन के लिए आप इतना यूज नहीं कर रहे होते। इसके अलावा एक और सिंबल भी आप यूज करते हो आउटकम को लिस्ट करने के लिए, वो होता है ट्री डायग्राम जो आप ज्यादातर यूज कर रहे होते हो, लेकिन अगेन आउटकम ज्यादा है तो ट्री डायग्राम फेल हो जाती है, आप फिर इस तरीके से लिखते नहीं हो, आप काउंटिंग प्रिंसिपल पे रिलाई करते हो कि चलो 20 आउटकम है 1000 आउटकम है इस तरह मेंशन कर रहे होते हो। तो ट्री डायग्राम होती इसलिए, आपने देखा भी होगा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिखना काफी आसान हो जाता है। अगर आप वैसे अगर आपको बोला जाए कि यार सिंपल एग्जांपल देते हैं उसी से हम सीखते हैं, ये सवाल आप लोग करोगे भी इंशाल्लाह 6.2 के अंदर, 6.2 के अंदर करोगे कि आपने तीन कॉइन को टॉस किया है, ये वो कॉइन है जो क्रिकेट मैच में यूज होते हैं, वो जिसमें हेड या टेल आ रहा होता है, तो इसकी ट्री डायग्राम अब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। अभी आपने काउंटिंग प्रिंसिपल में प्रोडक्ट प्रिंसिपल पढ़ा था कि जब आपको इवेंट्स दो तीन चार इवेंट्स एक साथ परफॉर्म करने तो उनके नंबर ऑफ वेज को आपस में उस इवेंट को कितने तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, आपस में मल्टीप्लाई करते हो, रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, अज्यूम कर लो आपको बोला जाए कि यार मैं तीन कॉइन, ये इस तरह समझा जाए कि एक कॉइन को मैंने तीन दफा टॉस किया है, कितनी पॉसिबिलिटीज मेरे पास आ सकती हैं। तो काउंटिंग प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे यार पहले पहला इवेंट क्या है कि कॉइन को पहली दफा टॉस करना, जब कॉइन को कॉइन जो है वो फेयर कॉइन होगा, फेयर कॉइन का मतलब बायस ना हो, बाइस्ड का मतलब ये होता है कि यार कॉइन की कोई सरफेस ऐसी खराब हो कि फॉर एग्जांपल जब भी आप उसको टॉस करो तो ज्यादा चांसेस है कि वो हेड आए, फॉर एग्जांपल टेल वाली साइड पे आप टिप बना दो कि टेल पे लैंड ना करे, वो टेढ़ा लैंड कर जाए या हेड पे लैंड कर जाए। तो कहने का मतलब फेयर कॉइन होना चाहिए, बाइस्ड कॉइन ना हो, वरना फिर उसमें प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, अजीब सी चीज हो जाएगी, 50 प्रोबेबिलिटी का असल चक्कर है यहां पे, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन वैसे आप लोगों को प्रोबेबिलिटी आगे 6.4 में पढ़नी है। तो जब भी आप कॉइन को टॉस करते हो, जब भी फेयर कॉइन होता है तो दो ही पॉसिबिलिटीज आती हैं, और अगर उनकी आप प्रोबेबिलिटी देखो तो 50-50 होती है अगर फेयर कॉइन है वो। तो आउटकम कितने आते हैं, दो आते हैं, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। फिर आप कॉइन को जब दूसरा इवेंट क्या है, कॉइन को दूसरी दफा टॉस करना, दूसरी दफा टॉस करोगे तब भी दो आउटकम है, तीसरी दफा टॉस करोगे तब भी दो आउटकम है। प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने कहा था टोटल अगर आपने निकाले मल्टीप्लाई कर दो 8।
अब ये हमें मजा नहीं आ रहा है इसमें कुछ खास यार कि एट क्या है, जरा पता चले ना एट टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है। तो ट्री डायग्राम विजुलाइज करने में काफी आपकी हेल्प करती है किसी भी पॉसिबिलिटीज को, और आगे जाके तो ट्री डायग्राम की प्रोबेबिलिटीज में बड़ी एप्लीकेशन है, वो हल्का फुल्का मैं बता दूंगा साथ आप लोगों को। तो ट्री डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है, आप बनाते हो एक नोड, ठीक है, और नोड से एक आप ब्रांच बना रहे होते हो पूरी, ठीक है। ये ब्रांच रिप्रेजेंट करेगी पहले आउटकम को, जो आउटकम है ना पहली दफा जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आउटकम आ सकता है, या तो हेड या टेल, ये बनाने का तरीका होता है। इसको आप आई गेस नोड कहते हो, ये ब्रांच है, और हाँ इसको आई गेस पेरेंट नोड कहते हैं। इसके बाद जो इसके आगे जो बनेंगे ना ब्रांचेस, इनको फिर आप बोलोगे सिबलिंग नोड, आई गेस मैंने की पढ़ा था, खैर इसको छोड़ दो। तो ये ब्रांच है, इस ब्रांच पे बाय द वे आप प्रोबेबिलिटी लिखते हो, ठीक है, तो वो हम बाद में जरा लिखते हैं, पहले सिंपल सी डायग्राम हम समझ जाते हैं कि ये है पहला इवेंट। आप इसको इस तरह समझ सकते हो, मैं इसको ना इस तरह कर देता हूं, ये जो है ये फर्स्ट इवेंट है। फर्स्ट इवेंट का मतलब जब पहली दफा आप कॉइन टॉस करोगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो आप स्टार्ट करते हो नोड से और सारी पॉसिबिलिटीज इस तरह ब्रांचेस बनाते हो, और उसके बाद आपने आउटकम लिखा हुआ होता है कि एक आउटकम हेड है एक आउटकम टेल है। उसके बाद सेकंड इवेंट है। सेकंड इवेंट क्या है कि एज्यूम करो पहले इवेंट में आपके पास हेड आ गया, अब दूसरे इवेंट में क्या आ सकता है, भाई दूसरे इवेंट में भी यही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, भाई दूसरा इवेंट जो है उसमें भी पॉसिबिलिटी है ना, तो ये आपका क्या है सेकंड इवेंट। इसी तरीके से एज्यूम कर लो अगर पहले इवेंट में टेल आया था तो दूसरे इवेंट में हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। ये बाय द वे टेल के फौरन बाद ही एरो बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट करके इसलिए बता रहा हूं, आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि हर इवेंट की अलग अलग आप ट्री डायग्राम में ना ब्रांचेस पूरी बना रहे होते हो। तो दो ब्रांचेस यहां पर आ गई, दो ब्रांचेस यहां पर आ गई। अब आ जाओ थर्ड इवेंट पे, एज्यूम कर लो पहले इवेंट पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे क्या आ सकता है, अगेन तीसरे पे हेड भी आ सकता है, तीसरे पे टेल भी आ सकता है, अगेन हेड आ सकता है टेल आ सकता है, अगेन हेड अगेन टेल, इसी तरह अगेन हेड अगेन टेल। तो ये जो है ये आपको क्या कहलाया जाएगा, ये होगा थर्ड इवेंट। इस अब मैं मिटा रहा हूं इसको ताकि आप लोगों को डायग्राम नजर आ जाए। ये बताने का मकसद था कि इस तरीके से आप तीनों इवेंट को ट्री डायग्राम में ड्रॉ करोगे। अब ट्री डायग्राम आपकी काफी हेल्प करेगी आउटकम मालूम करने में। अब इसने बताया था आठ लेकिन आपको मजा नहीं आया था, अब ट्री डायग्राम आपको वो आठ पूरे बताएगी। कैसे, पहला तरीका क्या होगा कि जब आप एक कॉइन को तीन दफा टॉस कर रहे हो तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी कि पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड। अब ये एक आउटकम है, जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लोगे ना, एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक कॉइन को तीन दफा टॉस कर लोगे तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आउटकम आएगा पहले एक्सपेरिमेंट का, या इसको ट्रायल कहते हो आप। एक्सपेरिमेंट जो है ना कॉइन को टॉस करना, पहला ट्रायल क्या है कि आपने तीन कॉइन को, मतलब पहला ट्रायल होगा कि एक कॉइन को टॉस किया, तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट आपने किया है इसका आउटकम क्या आ सकता है। पहला आउटकम तो ये होगा कि हेड आ जाए हेड आ जाए हेड आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, हेड हेड टेल। अच्छा तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आ जाए टेल आ जाए हेड आ जाए, मतलब पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड। अच्छा और पॉसिबिलिटी क्या है, हेड टेल टेल। अच्छा जी फिर है टेल हेड हेड टेल हेड हेड, उसके बाद होगी टेल हेड टेल, छह हो गई है, फिर होगा टेल टेल हेड, और फिर आखिरी होगी टेल 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 टेल, ये वाली। तो ये ट्री डायग्राम अगर आप देखो तो ट्री डायग्राम पूरी आठ पॉसिबिलिटीज आपको बता रहे हैं कि इन पॉसिबिलिटीज का क्या मतलब यहां पे बन रहा होगा। ये ट्री डायग्राम का सबसे बड़ा फायदा होता है, एक तो आपको आउटकम थोड़ी आसानी से पता चल जाते हैं, दूसरा बहुत बड़ा फायदा इसकी प्रोबेबिलिटीज के अंदर होता है। अभी से मैं सिखा रहा हूं, वैसे तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी के अंदर ट्री डायग्राम सिखानी थी, लेकिन जब आ गया तो यहीं पर सीख लो, बाद में यहीं से रिवाइज कर लेना आप लोग, कि प्रोबेबिलिटीज काफी हेल्प होती है। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका तो आप लोग देख लोगे बाद में, लेकिन बिल्कुल बेसिक से मैं बात करूं, चांसेस होती है प्रोबेबिलिटी। अब मुझे बताओ जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो भाई हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस होते हैं, मतलब 50-50 चांसेस होते हैं। 50% है ना, इसको आप नंबर में कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 0.5 होता है। तो भाई जीरो आप ब्रांच के ऊपर लिखते हो इसके चांसेस, कि हेड आने के कितने चांसेस हैं 0.5, टेल आने के कितने चांसेस हैं 0.5। इसी तरीके से दूसरे इवेंट में अगर एज्यूम कर लो पहले इवेंट पे आया हेड, अब जब आप दूसरी दफा कॉइन टॉस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी ना, जब आप दूसरी दफा कॉइन टॉस करोगे क्या प्रोबेबिलिटी चेंज रहेगी कि हेड आने के ज्यादा चांसेस है, नहीं, दूसरी इवेंट में भी यही होगा कि भाई हेड और टेल आने के सेम चांसेस होंगे। तो ब्रांच के ऊपर आप लिखते हो उसके चांसेस सेम, यहां पर भी 0.5 0.5।
इसी तरह जब आप तीसरी दफा कॉइन टॉस करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी चेंज होगी? नहीं। तीसरी दफा भी जब आप कॉइन टॉस करोगे तो 50-50% चांस होंगे कि भाई हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। ठीक है, अब ये लिखने का फायदा क्या हुआ हमें? ये लिखने का फायदा ये हुआ कि अगर आपको बोला जाए कि यार हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपके पास, याद रखो प्रोबेबिलिटीज को आप ब्रांचेस के अलोंग मल्टीप्लाई करते हो और इस तरीके से आप एड कर रहे होते हो। अब इसका मतलब क्या जरा देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि यार मैं एक कॉइन को तीन दफा टॉस करूंगा, मुझे चांसेस बताओ कि मेरे पास दो हेड आए। मैं कॉइन को तीन दफा टॉस कर रहा हूं, मुझे चांसेस बताओ कि मैंने जब तीन दफा टॉस किया तो चांस बताओ कि मेरे पास दो हेड आए, इसके कितने परसेंट चांस है? तो आप देखोगे किस आउटकम में दो हेड है, इसमें भी दो हेड है। मतलब मैं नहीं कह रहा इसको, चलो इस तरह हम समझते हैं कि एग्जैक्टली दो हेड आए, क्या आपने तीन कॉइन टॉस किया तो मेरे पास एग्जैक्टली दो हेड आए और एक टेल आए। अब ये कौन सी पॉसिबिलिटी है? दो हेड एक टेल, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी, दो हेड एक टेल, ये तो दो टेल है। अच्छा ये है दो हेड एक टेल, ये तीन पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें दो हेड एक टेल आ रहा है। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, क्या करोगे? इस वाले की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करोगे, कैसे? 0.5 0.5 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 का क्यूब। ये इसके आने के कितने चांसेस है? 0.5 का क्यूब। ये बहुत छोटा नंबर बनेगा क्योंकि ये मेक सेंस कर रही है बात कि इस चीज के चांसेस कम होंगे ना थोड़े। आंसर आ रहा है 1/8, मतलब 0.125। जाहिर सी बात है ये कम चांसेस होते हैं कि पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आए। ज्यादा चांसेस तो ना रैंडम आ सकता है, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए या तीसरे पे हेड आ जाए। तो जाहिर सी बात है इनके अलग अलग अगर आप बात करो तो इनके चांसेस काफी कम होते हैं कि, फॉर एग्जाम्पल इसके चांसेस भी कम है कि भाई तीनों कॉइन पे हेड हेड आ जाए। तो इस चीज के चांसेस कम होंगे एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि इन दोनों के चांसेस तो 0.5 है, बहुत ज्यादा चांसेस है इनके भाई एज कंपेयर टू दिस। ये तो मुश्किल है आना भाई, मुझे खुद जरा लॉजिकल सोचो, क्या तीन दफा हेड आना मुश्किल है या एक दफा हेड आना मुश्किल है? आप कहोगे डेफिनेटली तीन दफा हेड आना भाई, तीन दफा हेड का मतलब पहली दफा भी हेड आए, चलो लग गई किस्मत, दूसरी दफा भी हेड आए, चलो मान ली भाई किस्मत, क्या तीसरी दफा भी हेड आए? इसके चांसेस बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू अगर आप एक कॉइन को टॉस करो और आपके पास हेड आए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है यार, हेड आ सकता है 50% चांसेस है। दैट्स व्हाई आपको इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है और इसकी प्रोबेबिलिटी कम नजर आ रही है, क्योंकि मुश्किल है, कम चांसेस है इसके और प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट चांसेस। तो सेम, अच्छा इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो ना, वही निकालने का तरीका इससे क्या होगा, 0.5 0.5 0.5 को, तभी मैंने कहा था ब्रांचेस के अलावा मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, इसकी भी 0.125 होगी, इसकी भी 0.125 होगी। अब ये तीनों आपके ये समझ लो, आप जिस इवेंट की बात कर रहे हो ना, इवेंट क्या है? दो हेड और एक टेल आना। ये तीनों केस उस इवेंट को फेवर कर रहे हैं, इन तीनों में दो हेड एक टेल आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप प्रोबेबिलिटी क्या करोगे, मैंने बताया था इस तरह मल्टीप्लाई करते हो, इस तरह ऐड करते हो, तो आप क्या करोगे 0.125 0.125 0.125, इसको जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.375। इसका मतलब ओवरऑल 0.375 चांसेस हैं, अगर आप इसको परसेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 37.5% चांसेस हैं कि जब आप तीन एक कॉइन को तीन दफा टॉस करोगे तो दो हेड और एक टेल आने के 37.5% चांसेस हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करो मजीद, आप प्रोबेबिलिटी में भी सीख लोगे, लेकिन ये इतनी मुश्किल चीज नहीं थी जो आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी, बहुत बेसिक सी चीज है। यहां से आप ऑब्जर्व किया कि ट्री डायग्राम के बहुत फायदे, आप आउटकम देख सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, इवन जो आपके डिपेंडेंट इवेंट है, जो आपने अभी एग्जांपल भी देखी थी, डिपेंडेंट इवेंट को भी आप बड़ी आसानी से डायग्राम, ट्री डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो डिपेंडेंट इवेंट है उन पे फिर प्रोबेबिलिटी भी कंडीशनल लगती है, जो कि एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्री डायग्राम से बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बताने का एक और मकसद ये भी था, एक तो आपको ट्री डायग्राम सिखाना था, दूसरी बात जो मैं इससे बताने लगा हूं, जो असल इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जितनी भी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज हैं, जब आप सम कर रहे हो तो सम 1 के बराबर आना चाहिए। याद रखना जब भी आप डिफरेंट इवेंट्स आपके पास गिवन है, आप उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो उसका सम जो है वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटीज का सम जो है 1 के बराबर आना चाहिए। पहली ब्रांच के होने के कितने चांसेस है 1/8, दूसरे के कितने 1/8, करते करते जो बाकी 6 हैं उनके भी 1/8, तो जब 1/8 को 8 दफा ऐड करोगे तो 1 के बराबर आएगा। तो एक मकसद ये भी आप लोगों को बताना था, ये भी दिखाना था
कि जब आप ऐड करते हो सब ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 के बराबर होती है, तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो इस तरह कि यार आप प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो आंसर 1 के बराबर आ रहा होगा। लेकिन ये बात कुछ टीचर आपको बता देते हैं कि सम 1 के बराबर आता है, लेकिन अब जो मैं बात बताने लगा ये नहीं बता रहे होते जिससे बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सम में दरमियान जगह भी छोड़ी है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर होती है, ये उन इवेंट्स के लिए होता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और साथ साथ वो एग्जॉस्टिव है। कहने का मतलब ये है अगर आप इन सब इवेंट्स को देखो तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई भी एक आउटकम होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, एक साथ कोई भी नहीं हो सकता। क्या ये पॉसिबल है कि हेड हेड आए? और ये भी पॉसिबल है कि हेड हेड टेल आए? नहीं भाई, या तो हेड 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 आएगा या हेड हेड टेल आएगा। तो ये जितने भी 8 आउटकम आपके सामने लिखे हुए सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहली चीज इवेंट सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। दूसरी चीज कि सारे इवेंट एग्जॉस्टिव हो, एग्जॉस्टिव का मतलब कि जब आप इनका यूनियन लो तो ओवरऑल सैंपल स्पेस बन जाए। फॉर एग्जांपल आप कोई इवेंट परफॉर्म करते हो, आपने दो इवेंट कंसीडर किए कि दो हेड आना ठीक है और आपने कंसीडर किया दो टेल आना, तो दो हेड तीन सिचुएशन में आ सकता है, जो मैंने ये वाली टिक की थी, ये वाली टिक की थी, ये वाली टिक की थी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। दो टेल आना एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कौन कौन से इवेंट है ये, मैं इसको ब्लू से करता हूं। एक तो ये होगा, ये वाला, दो टेल आ रही है, टेल हेड टेल इसमें दो आ रही है, टेल टेल हेड इसमें दो आ रही है, तो अगेन इसकी भी तीन केसेस है, 1/8, 1/8, 1/8 ऐड करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। अब स्टूडेंट ये समझते हैं कि जब मैं इनको ऐड करूंगा तो प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी, नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी 1, क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर दो हेड आ रहे हैं या दो टेल आ रहे हैं ये एक साथ पॉसिबल नहीं है, अगर दो हेड आएंगे या दो टेल आएंगे एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि दो हेड हो और दो टेल हो, चार कॉइन थोड़ी ना टॉस कर लिया, तो एक साथ आने के चांसेस नहीं, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये बात सही है, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव कि अगर आप इन दोनों इवेंट्स का यूनियन लोगे तो क्या ओवरऑल सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा? नहीं, तीन आउटकम इसके, तीन आउटकम इसके, 6 आउटकम कवर होंगे इसके अंदर, बाकी दो आउटकम कवर ही नहीं हो रहे, बाकी दो कौन कौन से? हेड 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 टेल टेल टेल, वो तो आपने कवर ही नहीं किए, तो दैट्स व्हाई इनकी प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो जुमला आप जो पढ़ते हो ना हर जगह के सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर होने चाहिए, तो याद रखो ये उन इवेंट्स के लिए होता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और साथ साथ वो एग्जॉस्टिव हो, वहां पे चीज वैलिड होती है। मैं यहां पे जुमला लिखवा रहा हूं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज किसकी? वो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो और साथ साथ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो। तो इन दो बातें, ये मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को डिटेल में बताया था क्या होते हैं, फर्क बताया था, हर चीज डिस्कस हम कर रहे थे, तो ये दो अगर इवेंट दो बातें हैं उन इवेंट्स के दरमियान, तब आप उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सम करोगे तो सम क्या आएगा? 1 के बराबर होगा। जैसे ये एग्जांपल भी है 7.5 में, क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी आप देखोगे तो उसमें गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियां रेस में शिरकत कर रही हैं, हर गाड़ी की जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। अब बचे 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, इसको जब ऐड करोगे तो आपके पास अजीब कुछ आ रहा होगा, आपके पास क्या आ जाएगा? 15/5 आ रहा होगा और वो 3 के बराबर होता है। आपको अगर सर प्रोबेबिलिटी 3 होगी सब, नहीं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा उस वक्त जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो, और वहां पे अगर आप इवेंट देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे वहां पे। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल उसी एग्जांपल को आप इस तरह करते कि आप बोलते कि यार एक ही विनर होगा, तो तब सबकी प्रोबेबिलिटी 1/5 होती। क्या अगर फॉर्ड जीत गई है तो उसके साथ टोयोटा नहीं जीत सकती, अगर टोयोटा जीत गई उसके साथ कल्टस नहीं जीत सकती, कोई एक विनर होगा, तब वो क्या बन जाएंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, और सबका यूनियन लोगे तो वो सैंपल स्पेस के बराबर होगा, मतलब सब कवर हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव बन जाएगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी सबकी 1 होगी। 1/5 को 5 दफा जब आप ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन उस केस में जो बुक में गिवन है वो म्यूचुअली नहीं है। अगर फॉर्ड जीत रही है तो उसके साथ टोयोटा भी जीत सकती है, उसके साथ कल्टस भी जीत सकती है, तीन में रहना वहां पे, तो वहां पे अगर सबका सम करोगे 1 नहीं आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है, लेकिन किन कंडीशन के तहत उसका आंसर 1 आ रहा होता है, तो ये बात हमने क्लियर कर ली। अब एक और बात हम क्लियर करते हैं और मेरे ख्याल में आखिरी बात है, उससे पहले लॉस इसके बाद मुझे आपको बताना है ये बात देखिए। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, तो जरा हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे, ऐसे इवेंट होते हैं कि जो एक साथ पॉसिबल नहीं है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी होते हैं और साथ साथ वो एग्जॉस्टिव भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 2 ही होते हैं, ऐसा नहीं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 3 हो 4 हो, नहीं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपके पास एक इवेंट है कि जब आप डाई को फेंक रहे हो इवन नंबर आए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि इवन नंबर ना आए, बस ये 2 इवेंट होंगे, ये नहीं कि 3 इवेंट को आप कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे होंगे, नहीं, एक होता है होना और उसके ना होने को आप कॉम्प्लीमेंट्री कहते हो। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने हमेशा पढ़े होंगे 2 हैं,
कभी आपने पढ़ा तीन एंगल को आप कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हो? नहीं। इसी तरीके जब आप एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो या तो सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट होता है, दैट्स इट, दो होते हैं बस, उनका यूनियन लोगे यूनिवर्सल आ जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपको दो नजर आएंगे। और लिखते किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी को आप लिखोगे पी ए, जो इवेंट ए है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो किस तरह लिखा जाएगा, जो मशहूर नोटेशन है वो ए प्राइम वाली है, कोई इसके ऊपर वेव लगा देता है वो भी कॉम्प्लीमेंट को शो करता है, कोई छोटा सा सी लिख देता है वो भी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा होता है, लेकिन मशहूर नोटेशन ये प्राइम वाली तो वही लिखते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका प्रूफ भी बुक वालों ने लिखा है, अब वहां पे भी जाके देख सकते हो। इसका फायदा ये भी होता है कि अगर आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपको कॉम्प्लीमेंट की निकालनी है तो कोई मसला नहीं होता, आप उसको 1 से माइनस कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पीए गिवन है, आप पीए को उधर ले जाओ 1 से माइनस कर दो, या आपको फायदा होगा 7.5 में आके। 7.5 में ऐसे कितने केसेस होते हैं कि आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पता है कि आइदर, उसको आइदर कहते हैं, मैं भी बताऊंगा, ए यूनियन बी आइदर ए हो जाए या बी हो जाए, उसकी अगर आपको पता है तो इसका जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं नाइदर, कि ना ए हो ना बी हो, तो उसकी बड़े अच्छे तरीके से हम निकालते हैं। अगर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पता है तो उसका 1 से माइनस करो, आपको इसके नाइदर मतलब इसके अपोजिट वाला केस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते क्या है, वहां जाके आप देख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर एक इवेंट हो रहा है वो इवेंट ना हो ये उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25 तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.75, ठीक है, क्योंकि 0.25 0.75 को ऐड करोगे 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी से आप आसानी से प्रोबेबिलिटीज आपस में निकाल सकते हो। किसी एक की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री के बताओ आपको इसकी निकालनी है, इसको 1 से माइनस करो तो इवेंट ए की आ जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप काफी यूज कर रहे होते हैं।